गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो आज अपन बात करते हैं डी टी ए डी सी एम टेस्ट फॉर जेई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में मेजर टेस्ट सीरीज का पेपर टू मैथेमेटिक्स का ठीक है <coughs> तो ये पेपर टू है आपका जेई एडवांस का तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए तो देखो बेटा सेक्शन ए में टोटल सिक्स क्वेश्चन है फोर सिंगल चॉइस के क्वेश्चन है और वन आपका पैराग्राफ है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेक्शन ए सिंगल चॉइस क्वेश्चन वन टू थ्री फोर तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कंसीडर दी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस इक्वल टू जीरो टू जीरो थर्ड सर्किल आपको टू सर्किल क्यों ने तो थोड़ा केयरफुली <coughs> देखो इस सर्किल का सेंटर क्या होगा माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई टू कमा माइनस कॉफिशियंट ऑफ वाई वाई टू तो दोनों सर्किल के सेंटर्स की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट का सेंटर तो होगा माइनस थ्री रूट टू बाई टू मतलब माइनस थ्री अपॉन रूट टू कमा माइनस के थ्री अपॉन रूट टू और सेकंड का भी सेंटर क्या होगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू कमा माइनस के फाइव अपॉन रूट टू मतलब बो सर्किल का जो सेंटर है लाइज ऑन दी थर्ड क्वार और देखो थोड़ा केयरफुली माइनस थ्री अपॉइट रूट टू कोमा माइनस थ्री अपॉन रूट टू तो ये जो पॉइंट है लाइज ऑन दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स और माइनस के फाइव अपॉन रूट टू एंड माइनस के फाइव अपॉन रूट टू एंड माइनस के फाइव अपॉन रूट टू आर ऑल्सो लाइज ऑन दी लाइन इक्वल टू एक्स तो एक तो ये पता चला कि दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो वाई इक्वल टू एक्स पे लाइज करता है आफ्टर दैट एक बात और पता चलती है इसमें कि बहुत सर्किल्स आर पासिंग थ्रू दीरो जीरो बहुत सर्किल आपके जीरो जीरो से पास होंगे एक तो ये बात है फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में ए थर्ड सर्किल ड्रॉन इंटरनली टेंजेंट टू दी लार्जर सर्किल मतलब एक थर्ड सर्किल है जो ग्रेटर सर्किल को इसकी रेडियस ग्रेटर है इसकी से. इसकी रेडियस तो आपकी थ्री है बेटा जब फाइंड आउट करोगे तो आर वन इज थ्री एंड आर टू इज फाइव ठीक है ना तो एक थर्ड सर्किल है वो ग्रेटर सर्किल को तो इंटरनली टच करता है और स्मॉलर सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है ठीक है एंड

तो देखो क्या करना है बेसिकली इसमें अपन को सिंपल क्वेश्चन है एक बार इसका डायग्राम डो कर रहे हैं आप तो देखो फर्स्ट सर्किल तो अपन को लेना है ऐसे क्योंकि तो जीरो जीरो से पास कराना है सेकेंड जो सर्किल है उसमें क्या है उसका सेंटर वंस अगेन लाइज ऑन दी लाइन वाई इक्वल टू एक्स और वो भी आपका जीरो जीरो से पास है उसकी रेडियस कितनी है फाइव तो देन उसके लिए देखो क्या करें ये लो ये आपका आ गया सेकंड सर्किल सीट ठीक है और बहुत सर्किल का सेंटर लाइज ऑन दाइन वाईक्वल टू एक्स चलो एक बार रफली आप क्या करो वाई टू एक्स की लाइन को ड्रॉ करें ठीक है तो देखना थोड़ा केयरफुली फर्स्ट केयरफुलिस है लेट इसका सेंटर है अब सुनो इसकी रेडियस अगर थ्री है तो ये भी थ्री होगा ये भी थ्री और अग्रिले की रेडियस अगर फाइव है तो बेटा ये टोटल सिक्स है तो इसका मतलब रेडियस फाइव केस में इसका सेंटर कहीं इधर होगा ये लेट सेकेंड का सेंटर है बी तो देखो थोड़ा केयरफुली ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी फाइव यहां तक और ये भी डिस्टेंस क्या होगी बोलो फाइव ठीक है अब क्या बोला गया क्वेश्चन में बाद में एक सर्किल सी थ्री है जो आपका सी टू को तो इंटरली टच करता है सी वन को एक्शनली और इस y इक्वल टू एक्स को भी टच करेगा मतलब एक रफली डायग्राम की अगर बात करते हैं पन, तो बेटा इसका एक रफली डायग्राम डायग्राम हैं इसे। इसका लेट इसका रफ़ली लेट सेंटर अपन लिया ए बी सी तो देखो कितना कर सकते हैं देखो केयरफुली देखना ये सी वन है ये सी टू और ये लेट आपका सर्किल C3 है तो देखो अपन को कंडीशन ऑफ एक्शनलिटी टू सर्किल को अगर टू सर्किल अगर क्या करते एक्सनली टच करते तो उस कंडीशन की हेल्प लेनी तो देखो आपने सी को ए से ज्वाइन किया तो पता होगा आपको कि जब टू सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करोगे आप तो जो दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उससे लाइन पास होगी ठीक है तो जब इस सर्किल की बात करूँ तो वो आपके इस पॉइंट से पास होगा तो देखो इसकी रेडियस अगर आर है तो ये रेडियस थ्री होगी सिमिलरली देखो अगर ये सेकेंड सर्किल का सेंटर है और इसको अगर सी सी ज्वाइन किया आपने तो जब आगे इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इसको क्या करेगा टचिंग पॉइंट पे ठीक है तो देखें केयरफुली ये R प्लस थ्री है मतलब आप लिख सकते हो ए सी इक्वल टू तो आगे बच्चों R प्लस थ्री एंड ये जो आपका बी सी है इस बी सी की वैल्यू क्या होगी देखें बी सी इज देखो ये टोटल आपका कितना है फाइव है ना क्योंकि पॉइंट बी को अगर आपने ये जोन किया तो क्या है ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है ग्रेटर की रेडियस है तो ये फाइव ये रेडियस आपकी वंस अगेन आर तो क्या आ गया बोलो एंड आप पॉइंट सी से करो टेंजेंट तो अगर स्पेड टेंजेंट डॉ करो तो देखो केयरफुली क्या करेंगे अपन लेट ये पॉइंट आपने कंसिडर किया बेटा डी तो इसमें थ्योरम की हेल्प लें देखो डेल्टा ए डी सी में डेल्टा एडीसी में आप लिख सकते हो सी डी स्क्वायर ये भी ऑल्सो रहा है ना तो सी डी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो देखो सी डी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो देखो इसमें सी डी स्क्वायर तो क्या है आर स्क्वायर आ गया प्लस एक एडी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है अपन को और इक्वल टू एसी तो कितना है आर प्लस थ्री का होल स्क्वायर और एडी स्क्वायर की वैल्यू को भी आपको पुट करना है इन टर्म्स ऑफ आर तो देन आप वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर तो देखो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको ये लेंथ पता है आपको ये लेंथ गिवन है तो अपन इस एसी लेंथ को वंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं फाइंड आउट कैसे ये क्या आ गया ये आर प्लस का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिस इज क्या डीबी ये आ गया बी डी तो बी डी की लेंथ क्या देखो बी डी इक्वल टू री राइट इज अंडर रूट ऑफ क्या दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर दिस दिस तो इज क्या है आर माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस के आर सॉरी आर प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस दिस पर यह आगे बी डी अब आपको देखो बी डी लेंथ पता है और ए बी लेंथ कितनी है आपकी टू क्योंकि ये रेडियस आपकी टोटल कितनी है अरे यार ये सिक्स है ये आपकी कितनी है फाइव तो ये कितना आ गया टू आ गया ना तो ए बी आपके पास टू है तो देन ए डी की लेंथ क्या होगी बी डी प्लस सॉरी हाँ बी डी प्लस ए बी का होल स्क्वायर तो बी डी की वैल्यू पता है आपको ए बी की वैल्यू आपके पास टू है इसको पुट करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो देन वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ रेडियस आर और सोल्व करने पे शायद वैल्यू आती है फिफ्टीन बाई एट ठीक है ये कैलकुलेशन आप करना तो उसने ये पूछा कि पी माइनस क्यू इसका आंसर क्या होगा फिफ्टीन माइनस एट इज सेवन तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन है चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या वो लगा पढ़ो ए ट्राइंगल एबीसी दी एंगल आर एन एपी एक ट्राइंगल एबीसी एंगल एपी में विद कॉमन डिफरेंस एल्फा

क्या करना बेसिकली हाँ इसमें एक कंडीशन ट्वेंटी टू और जो एंगल है उनका कॉमन डिफरेंस अल्फा है और वो एंगल आपके एपी में तो देखो अगर एबीसी बी आपके ए में है तो अपन तीन एंगल एड कर सकते है ना ए ए प्लस एल्फा और ए माइनस अगर एंगल कॉमन डिफरेंस है तो एपी के थ्री नंबर मैंने क्या लेट किए मिडिल टर्म अगर ए तो ए प्लस अल्फा इधर वाला ए माइनस ये थ्री एंगल है आपके। तो इन थ्री एंगल का सम क्या होगा थ्री ए इक्वल टू पाई तो इससे ए आ गया सिक्सटी डिग्री तो ए को सिक्सटी लोगे तो एक एंगल तो आ गया सिक्सटी माइनस अल्फा एक एंगल आ गया सिक्सटी और एक आ गया सिक्सटी प्लस एल्फा ये थ्री एंगल आपके पास आ चुके हैं तो देन इसके बाद देखो क्या करना बेटा अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एच ए प्लस एच बी प्लस एच सी की वैल्यू को सिक्सटीन से डिवाइड करना है। वो बात की बात है तो अभी आपको पता होना चाहिए ये एच ए प्लस एच बी प्लस एच सी क्या चीज है तो सेंटर की वर्टेक्सी से डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला याद रखें अदरवाइज डेरिवेशन करना पड़ेगा इसका टू आर कोसे ये वैल्यू होगी टू आर कोसे अगली क्या होगी टू आर कोसबी प्लस टू आर कोस तो टू आर कॉमन लोग तो क्या क्या टू आर कॉमन लेने पे कोसे प्लस कोसबी प्लस सी। ठीक है ये आ गया आपका आर कितना है इलेवन क्योंकि क्वेश्चन ने बोला गया कि जो डेल्टा एबीसी है, सरकम या इनक्राइब इन दी ट्रायंगल ऑफ एबीसी ठीक है ना बस इतना ही समझ में आता है इससे एबीसी ऐसे और ये इसका एच बोला गया तो कैपिटल आर आपके पास 11 है ठीक है तो कितना आ गया 22 अब अपन को क्या करना है देखो cos एल्फा की वैल्यू गिवन है अपने पास 21/22 तो बेटा एक काम करो आप दिस इज एंगल ए दिस सॉरी दिस इज एंगल ए इज एंगल बी और दिस इज एंगल सी तो इस ए बी सी की वैल्यू को इसके अंदर दो सिंप्लीफाई तो कर सकते तो, देखो बेटा क्या होगा? ए तो आ गया माइनस एल्फा गया डिग्री प्लस एल्फा और प्लस इज वन बाई टू यस सर तो देखो फर्स्ट और सेकंड में वी विल यूज फॉर्मुला कॉस सी प्लस कॉश डी तो फर्स्ट और सेकंड में जब आप कॉस सी प्लस कॉश डी का फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो देन वी विल गेट क्या बोलो ट्वेंटी टू ब्रैकेट ऑफ वन बाई टू प्लस हाँ कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो टू कोस दिस प्लस दिस वाई टू तो प्लस करोगे तो अल्फा कैंसिल तो वन ट्वेंटी इन टू कोस सी माइनस डी अल्फा 60 की वैल्यू वन बाई टू से टू चला गया तो कितना आ गया ट्वेंटी टू ब्रैकेट में वन वाई टू प्लस कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी टू ठीक है तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास ठीक है तो एक सिंपल क्वेश्चन है बस इसकी हेल्प लें आपकी एंगल आप एपी में लेट करने तो एपी की थ्री टर्म क्या लेट करते हैं ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी और डी का मीनिंग क्या मैं लेट किया मैंने अल्फा ठीक है चलो तो इसके अकॉर्डिंग आप गुणावा कर सकते हो ना 24 एलसीएम ले लेना ले ले या फिर 22 से अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो ना यार तो 11 प्लस 21 तो कितना आ गया बोलो एक दो 32y

तो उसके अंदर जब ड्रॉ करोगे तो सर्किल की मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है आपको करना है कैलकुलेट तो देखो क्या करोगे तो ये फिक्स है जब भी आपको जैसे इसमें बोला, बोला तो आप एक्स वाई प्लेन लेट कर सकते हो वन यूनिट लेंथ का स्क्वायर ये ये आपने क्या लाइट किया वन यूनिट लेंथ का स्क्वायर ये लेट जीरो जीरो है ये वन कॉमर जीरो होगा ये वन कॉमा वन है और दिस जैसे जीरो बन, है? ये करने के बाद देखो आपको अगर एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है तो दो ऑप्शन हो सकते हैं कुछ बच्चे तो क्या बोलेंगे सर एक काम करो इसको मिडिल में में दो लेट कर दो पॉइंट तो कर चलो मैं रफ में बताता हूं एक बार क्योंकि वो उससे आंसर होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा जैसे आपने बोला सर एक काम करो एकदम मिड में ले लो ऐसी दिक्कत क्या आपको ऐसे ले सकते हो मिड में तो मिड में लेने से क्या बोलोगे ये वन बाई टू होगा ये वन बाई टू तो वैल्यू क्या होगी अंड्रूड ऑफ वन बाई टू का स्क्वायर स्क्वायर तो ये सोल्व करने पे कितना जाएगा देखो पर कितनाई टू तो इसके अकॉर्डिंग आंसर वन बाई टू आ सकता है ठीक है बट इससे भी ग्रेटर आंसर इसका आ सकता है ठीक है ये एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये तो आपने फिक्स कर दिया कि आपने इसके टू जो डायमीटर का पार्ट है उस डायमीटर के पार्ट को आपने

या फिर अपन क्या लेट करते हैं तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें आप तो देखो अब क्या करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन को तो अभी मैंने रफली इसको ऐसे लिया लेटर के लिए ध्यान रखना ऐसा लग रहा है थोड़ा देखने में तो एक मिनट को ठीक है ना तो ये दोनों एल्फा है ये भी अल्फा होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा एल्फा कॉमा जीरो और दिसेज बोलो जीरो कॉमा अल्फा ठीक है और ये क्या है इसका डायमीटर तो इसका, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा इसका सेंटर हो गया सेमी सर्कल का और ये देखो क्या होगा ये इसका मिड पॉइंट है तो ये अल्फा कॉमा जीरो जीरो अल्फा तो ये पॉइंट आ गया लेट सी कितना एल्फा बाई टू कॉमा एल्फा बाई टू ठीक है ना ये मैंने इसका सेमी सर्किल का सेंटर लैड किया अब देखो उधर आओ इस पॉइंट से सर्किल के सेंटर से ही क्या टेंजेंट है ना तो इस पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर तो केयरफुली डायग्राम लेना तो इसको थोड़ा ऊपर लेना और इस पर भी ड्रॉ करोगे तो ये भी एंगल क्या होगा आपका नाइनटी मतलब एज ए ये आपका एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं रेक्टेंगल तो देखो ये आर है ये भी आपका आर होगा तो अगर ऐसा है तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं और एक बात सुनो ये इसको इधर लेना आप ज्यादा बेटर है इसको थोड़ा नीचे लेके काम करोगे चलो इसको दोबारा समझ सकते हो आप प्रॉपर डायग्राम में काम करो ऐसे लेना पहले तो ये बना दे आप ऐसे लो ये सेंटर है ना तो इससे ड्रा परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉ करो परपेंडिकुलर अब आप सेमी सर्कल को इन दो पॉइंटों से पास कराएं ठीक है ठीके? तो अब गलती नहीं होगी डायग्राम में ऐसे होगा इसका डायग्राम तो ये रेडियस आर होगी ये भी आर है ये आपने ड्रॉ किया सेंटर से परपेंडिकुलर तो केयरफुली देखो ये अल्फा वाई टू ठीक है ना और ये रेडियस आ रहा है तो देखो मैं एक बात लिख सकता हूं ना ये क्या है इसकी साइड की लेंथ की इक्वल होगा ना वन तो लिख सकते वन इक्वल टू आर प्लस एल्फा बाई टू मतलब ये आ गया आर प्लस एल्फा बाई टू इक्वल टू वन एक कंडीशन तो ये आ चुकी है और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या तो प्रॉपर डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाना ज्यादा बेटर रहेगा अपने लिए ठीक है उसके बाद देखो थोड़ा केयरफुली ये अपने पास अल्फा बाई था ये भी अल्फा बाई था और ये क्या है ये इसका डायमीटर है टू आर तो अपन लिख सकते हैं ना टू आर का स्क्वायर इक्वल टू एल्फा बाई टू का स्क्वायर प्लस एल्फा बाई टू का स्क्वायर सॉरी दिस इज अल्फा कॉम जीरो आ गया देखो एल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू का होल स्क्वायर तो कितना जाएगा फोर आर स्क्वायर इक्वल टू टू एल्फा स्क्वायर देन एल्फा इक्वल टू आ गया रूट टू आर तो कुछ नहीं करना एल्फा की वैल्यू को पुट करोगे तो देन वी विल गेट वी विल गेट दी वैल्यू ऑफ आर तो आप आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो तो करने पे वैल्यू क्या मिलेगी मतलब लेस होगी इससे तो इसका आंसर करेक्ट होगा चलो तो नोट करें और वन, में वैसे नहीं, तो गलती होगी भी नहीं अपन से ठीक है ना लेकिन इसको जल्दी से हाँ कुछ बच्चे क्या बोलते है? सर एक काम करो सेमी सर्कल को ऐसे ही बना सकते हैं ना फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन लाना है जबरदस्ती तो एक क्या कर सकते वन बाई टू लाने के लिए हाँ ये बोल देंगे सर ऐसे बना दो दिक्कत क्या ये लो इन दोनों पॉइंटों से लेके देख लो तो सेमी सर्किल तो ये बन सकता है तो अब अगर ये डायमीटर बने तो रेडियस क्या जाएगी इसकी वन बाई टू सकती है ना बट इससे ग्रेटर वैल्यू ये होगी आपकी टू माइनस वन पॉइंट फोर एज पॉइंट सिक्स के आसपास और जबकि वन बाई टू की वैल्यू क्या होगी पॉइंट फाइव ठीक है हाँ चलें उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्वेश्चन फोर क्या बोला गया पढ़ो सभी नंबर ऑफ वेज इन विच फोर ए कॉमा वन बी कॉमा वन सी एंड वन डी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर पर्सन सच दैट नो वन गेट्स ऑल ए फोर ए एंड एवरी वन गेट्स एट लीस्ट वन लेटर क्या मीनिंग है इसका कि फोर ए वन वी वन सी और वन डी को आपको फोर पर्सन में क्या करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करोगे ऑल फोर ए डज नॉट गेट्स ओनली वन पर्सन एंड ईच गेट्स एग्जैक्टली वन लेटर तो देखो ऐसे करो इसमें केसेज अराइज करने पड़ेंगे आपको देखो जैसे लेट फोर पर्सन है ए चार पर्सन है पी वन पी टू पी थ्री पी एंड पी तो देखो फर्स्ट केस क्या हो सकता है बस ध्यान ही रखे कि चारों ए को एक पर्सन को नहीं देना फोर ए को सिंगल पर्सन को अपन को पुट नहीं करना बाकी कैसे भी दे सकते हैं तो देखो फर्स्ट केस तो मैंने क्या किया आप सबको एक एक ए डिस्ट्रीब्यूट कर दो पहले चारों को क्या किया वन वन ए दे दिया आपने ये लो ये चार पर्सन है ऐसे सबको एक एक दो आप तो देने का एक ही तरीका है ना अब रिमेनिंग बीसीडी बचे तो बीसीडी लेटर को आप किसी को भी दे सकते हो ना क्योंकि हर पर्सन को एटलीस्ट वन लेटर मिल चुका है तो देन उस में क्या होगा तो देखो बी को पुट करने के फोर ऑप्शन किसी में दे सकते हैं सी को भी पुट करने के फोर ऑप्शन और डी को भी पुट करने के फोर ऑप्शन तो क्या आ गया four into four into four. तो ये आ सिक्सटी फोर कब जब ईच पर्सन गेट एग्जैक्टली वन है चारों के चारों पर्सन को एक एक ए अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो रिमेनिंग बीसीडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के तो टोटल ऑप्शन क्या होंगे फोर की पावर थ्री सिक्सटी फोर आफ्टर दैट देखो सेकेंड केस क्या लेना अपन को अगले में क्या किया मैंने जैसे ये थोड़ा सोचना है एक पर्सन को टू ए दे दो और सेकेंड पर्सन को भी आप टू ए टोटल फोर केस होंगे इसमें इसको भी टू ए इसको भी टू ए दिए तो क्या करना है देखो अब ये जो टू पर्सन है इसमें आपन को बीसीडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें भी थ्री केस हो सकते हैं इसको BCD उसको दो तो, मतलब जो बीसीडी है उनमें से दो लेटर तो आपने इसको दिए एक लेटर इसको दिया या फिर टू इसको एक इसको या फिर एक एक तो इनको दो और जो सिंगल बटा एक और उनमें से उस बीसीडी में से जो एक लेटर रिमेनिंग है उसको आप P1 P2 में से किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा इक्वल टू पहले आपको क्या करना है टू ए टू ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करो पहले फोर में से आप टू पर्सन करो सिलेक्ट कि कौन से टू पर्सन फोर में से आपने टू पर्सन सेलेक्ट किए और सिलेक्टेड टू पर्सन को दोनों को दो दो, दो ए देने तो देने का एक ही तरीका है क्योंकि सारे एक जैसे हैं इसको भी टू ए देने इसको भी टू ए देने तो उसका एक ही ऑप्शन होगा तो चाहो तो वन लगा सकते हो ये तो बात हुई इसकी ब्रैकेट अब इसके अंदर तीन केस और होंगे अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है बीसीडी को तो देखो बीसीडी को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एक ऑप्शन तो क्या है कि इन दोनों को सिंगल सिंगल दें आप सिंगल सिंगल देने में क्या करो ये थ्री लेटर है बीसीडी इनमें से आप पहले टू लेटर सेलेक्ट करो थ्री सी टू और सेलेक्टेड टू लेटर को आपने बी सी डी में से लेट, आपने बी और सी को सिलेक्ट किया तो बी और सी को पी थ्री पी फोर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑप्शन कितने होंगे फैक्टोरियल टू इन टू आपने क्या किया इनको एक एक दिया अब जो सिंगल लेटर बचा लास्ट वाला कोई सा भी उसको आपको केवल इन दोनों में देना है अब क्योंकि तो इनको एक एक ही देना है वो सारे किस लिखे जाएंगे अभी तो इन दोनों में देने के दो तरीके ना या तो इसको दोगे या इसको दोगे तो इन टू में क्या आ गया टू कब जब आपने इनको सिंगल सिंगल दिया है उसके बाद अगला केस क्या हो सकता है कि तीनों के बीसीडी को आप केवल इन्हीं दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक एक तो देना मस्ट है तो क्या करोगे पहले इन थ्री में से दो लेटर आप एक को दे सकते हो तो सिंगल अगले को दे सकते हो या इसका उल्टा करोगे तो दोनों केसेज में आंसर सेम ही होगा तो क्या करें पहले थ्री में से कोई भी दो लेटर सेलेक्ट करें थ्री सी टू बस दो लेटर सेलेक्ट किए सेलेक्टेड टू लेटर को आपने P1 P2 में से किसी एक को देना तो देने के दो तरीके या तो P1 को सॉरी या तो P3 को दो गया P4 को तो इन टू में क्या आ गया टू इसका मीनिंग क्या है थ्री सी टू में से आपने टू लेटर सेलेक्ट किया लेट B एंड C तो B और C को पुट करने के दो ऑप्शन है या तो P3 को या P4 को तो इन टू में टू आ गया और रिमेनिंग D है

इसमें दो केस हैं तीन केस हैं लेकिन दो केस मैंने एक साथ मर्ज कर दिए दोबारा सुन ले। पहले आपने थ्री में से दो लेटर सेलेक्ट किए सेलेक्टेड टू लेटर को दो पर्सन लेटर को पी वन पी टू में डिस्ट्रीब्यूट करने के टू ऑप्शन या तो P1 को दोगे या P2 को प्लस अब आपने सोचा सर एक काम करो बीसीडी को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके दो ऑप्शन होंगे एक पर्सन को टू लेटर दोगे और एक पर्सन को वन लेटर ताकि ईच पर्सन गेट एट लीस्ट वन लेटर तो आपने में से पहले दो लेटर सेलेक्ट किए उसको पुट करने के दो ऑप्शन है P3 या P4, और रिमेनिंग को पुट करने का एक ही ऑप्शन है तो ये आ गया two way, two way. मतलब एक पर्सन को टू ए और सेकेंड पर्सन को भी टू ए तो रिमेनिंग लेटर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया थर्ड केस क्या हो सकता है देखो लेंथी क्वेश्चन है बट हो जाएगा सिंपल है थर्ड केस में क्या करोगे आप देखो एक पर्सन को तो दो आप टू ए लेटर एक को ए, और एक को ए। टू ए, ए, ए तो देखो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या ऑप्शन है सिंपल मेथड है आप पी वन पी टू पी थ्री में से पहले थ्री पर्सन सेलेक्ट करो ऐसे लिखना सेलेक्टेड थ्री पर्सन पे आपको करना क्या है टू ए ए और ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऐसे समझना ये दोनों सेम है ये अलग है क्योंकि दो ए एक साथ है ना इसका मतलब आपको दो एक जैसे और एक अलग लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल फैक्टोरियल अरे यार इसको मान लो, ये B और सबको तो तो सब एक एक देना है फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल टू तो थ्री मेथड होंगे ना ये तो आपने क्या किया इन चारों ए को डिस्ट्रीब्यूट किया अब अकेला पर्सन रह गया उसका अब देखो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे

डी को भी देने की थ्री ऑप्शन है पी वन पी टू पी थ्री तो क्या आ गया थ्री इन टू थ्री मतलब थ्री का स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा कब जब टू ए ए और एक लास्ट केस और होगा एक पर्सन को दो थ्री ए और एक को दो ए तो लिखो फोर्थ केसेज अब कैलकुलेशन आप करना इसमें ऐसे एक पर्सन को थ्री ए देने एक को ए तो क्या लिखोगे तो ये तो दो अलग अलग पार्ट है ना थ्री ए को ए मानो इसको बी लेट करोगे तो क्या करो चार में से कोई भी दो पर्सन सिलेक्ट करो फोर में से दो पर्सन जब आप करोगे, जैसे P1, P2 तो उसके दो ऑप्शन है P1 को लेटर दो और पी P2 को आपने थ्री ए ब्रैकेट अब आपको BC को डिस्ट्रीब्यूट करना BCD को तो वंस अगेन BCD को डिस्ट्रीब्यूट करने के ऑप्शन यही होंगे ना देखो पीसीडी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दो पर्सन में तो वंस अगेन आपको यही पार्ट इसका दोबारा लिखना है ठीक है मेरी बात समझ आई सबको इनको जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन है इसको देखना तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे को पता है इसकी कैलकुलेशन करने पे आंसर 832 थर्टी टू आता बेटा ठीक है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में टू क्वेश्चन है ये पैसेज का क्वेश्चन है देखो हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी पढ़े सभी ए रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर स्लाइड्स बिटवीन टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई इक्वल टू माइनस के रूट थ्री एक्स एक रोड है 10 लेंथ की वो टू लाइन एक लाइन तो एक्स एक्सिस है और एक लाइन है वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स इन दोनों पे क्या करती है मूव करती है ऐसे ठीक है चलो उसके एंड पॉइंट्स मूव करते ठीक है दी लोकस ऑफ दी मिड पॉइंट ऑफ दी रॉड इज कर्स तो उस रोड के जो मिड पॉइंट का लोकस है वो एक कर्व है उसका नेम दिया गया एस तो क्वेश्चन में क्या पूछे गए विच ऑफ दोंग ऑप्शन बताना है एस इज एन एलिप्स सेंटर ऑफ एस जीरो जीरो एक्स इंटरसेप्ट ऑफ एसिड टेन यूनिट और वाई इंटरसेप्ट ऑफ एसिड टेन रूट थ्री यूनिट सिंपल है तो देखते हैं बाद में और सिक्स पार्ट का मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दी कर मतलब कर्व की ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेन पार्ट यही कि आप पहले कर्व एस को करो फाइंड आउट तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में सिंपल एक क्वेश्चन इजीली हो जाएगा देखो एक सिंपल लोकस की बात की गई तो आओ मेरी तरफ सब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रोड है जिसकी लेंथ टेन यूनिट है वो आपकी एक्स एक्सिस और वाई इक्वल टू माइनस के रूट थ्री एक्स इन दो लाइनों के ऊपर क्या करती है फिसलती है या स्लाइड होती है तो एक काम करो

का लोकस आपको आउट करना है 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 उस को 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 ही करना करना उसी को लोकस बोलते हैं तो तो देखो क्या करना है बेसिकली इसमें एक काम करो 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 ना इस को तो करो, इस पॉइंट पॉइंट लेट लेट अल्फा कॉमा बहुत सिंपल क्वेश्चन और बी के लिए ऐसे आपने लेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट किया आपका एच कॉमा मिड पॉइंट को एच कोमा के तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक काम करो ना आपके पास टेन लिख दो सब अगर H, K है तो 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 कितना जाएगा A plus B by 2 आ गया ना तो इसमें एल्फा प्लस बीटा वाई टू यस सर ये आ गया और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब के क्या होगा जीरो प्लस दिस वाई टू तो जीरो प्लस दिस वाई टू करने पे होगा के इक्वल टू माइनस के रूड थ्री बीटा बाई टू आपको क्या करना है एच के ऑर कॉन्स्टेंट में लाना रिलेशन तो देन आपको वेरिएबल अल्फा और बीटा को क्या करना पड़ेगा बेटा एलिमेंट तो देखो एल्फा और बीटा को एलिमेंट करने का क्या मेथड है वो सिंपल क्वेश्चन है देखो इससे बीटा की वैल्यू क्या मिली आपके पास टू को मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड तो माइनस टू के अपॉन रूट थ्री यह आपके पास आ गया इसका बीटा उसके बाद इधर देखो एल्फा की वैल्यू क्या होगी इससे टू एच से मल्टीप्लाई बीटा को शिफ्ट करें तो क्या आ गया बीटा और बीटा की वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा पर रूट थी मतलब आपने क्या किया एल्फा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ एच कोमा के अब अल्फा बीटा में रिलेशन देखो कैसे सिंपल मिलेगा ये पॉइंट ए पता है पॉइंट बी आपने लेट किया है तो देन डिस्टेंस ऑफ ए इज एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जीरो में से किया तो क्या आएगा स्क्वायर करने पे थ्री बीटा स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड साथ, साथ, साथ स्क्वायर कर कर दिया तो कुछ नहीं करना आ गया आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट देना सब इन दोनों में से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको एच और के में क्या मिल जाएगा रिलेशन ठीक है और एच के में रिलेशन आने के बाद एच को एक्स और के को जब आप वाई पुट करोगे तो बेटा इसका लोकस आने वाला है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये खुद करना कैलकुलेशन

तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है इसके लिए क्या करना है देखो इसको थोड़ा केयरफुली देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके सेंटर की बात करते हैं तो आपको पता है जब भी कोई सेकेंड डिग्री का कर्व गिवन है और वी विल फाइंड आउट दी सेंटर ऑफ दी कोनिक सेक्शन जब भी आपको कोनिक सेक्शन का क्या करना है सेंटर को फाइंड आउट करना है तो उसका क्या करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेक्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो वाई को कॉन्स्टेंट लेट करते हुए आफ्टर दैट वाई के रेस्पेक्ट में करो डिफ्रेंसिएशन एक्स को वंस अगेन कॉन्स्टेंट लेट करते हुए जब ये कार्यक्रम करोगे आप इसका करोगे इसका जीरो करोगे तो इससे एक्स और वाई में रिलेशन और उससे भी एक्स वाई में रिलेशन तो जब उन दोनों रिलेशनों को सोल्व करोगे बेटा तो इसका सेंटर मिलता है जीरो जीरो ठीक है इसका सेंटर जाएगा जीरो जीरो सिंपल है कर देना आप मतलब ये पता चल गया अब ये इलिप्स आपका स्टैंडर्ड नहीं है यह नॉर्मल इलिप्स है क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, पर ये एक है. तो देखो वेंटर जीरो जीरो है. तो चलो अगर ये एलिप्स आपका नॉर्मल है तो मैंने रफली ऐसे ये है आपका अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोनेक सेक्शन एस की ओरिजिन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ मतलब जीरो जीरो की इससे मैक्सिमम डिस्टेंस एक काम करो इस पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लो पी तो आपको क्या बताना ओपी डिस्टेंस तो इसके लिए क्या मेथड है आप OB को लेट करो r तो आपको r की मैक्सिमम वैल्यू को करना फाइंड आउट तो उसके लिए क्या करो लेट ये एंगल आपने थीटा कंसीडर किया इसको करना है पैरामीट्रिक फॉर्म के फॉर्म से तो अगर ये एंगल थीटा है तो पॉइंट p को लिख सकते हैं ना r कोस थीटा r sin थीटा तो ये पॉइंट p लेट करना बच्चों r cos थीटा r sin थीटा ये लेट करने के बाद कुछ नहीं करना पॉइंट p लाइज ऑन दी कर्व पॉइंट पी को जब कर में पुट थ्री आर तो देखो क्या इस फोर में से टू को अंदर लेके जाओगे तो क्या आ गया टू साइन टीटा को समझे मेरी बात को इसका मतलब जब आपने एक्स वाई की वैल्यू को उसमें पुट किया तो ये आ गया टू रूट थ्री आर स्क्वायर

और प्लस इसमें क्या जाएगा बोलो टू रूट थ्री आर स्क्वायर साइन टू टीटा टू सेवन फाइव कुछ नहीं है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना टू से तो देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आप इससे आर स्क्वायर की वैल्यू को करोगे फाइंड आउट और वो वैल्यू क्या होगी वो लिख देते हैं देखो जब आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो उधर आ गया पचहत्तर का डबल वन फिफ्टी तो न्यूमीटर में तो क्या जाएगा वन फिफ्टी और थोड़ा केयरफुली देखो इन समय आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया ना तो आर स्क्वायर कॉमन आने के बाद देखो क्या बचेगा इसमें ये आ गया थ्री और सेवन टेन कितना आ गया बोलो टेन प्लस थ्री कॉस्ट टू थीटा माइनस सेवन कॉस्ट टू तो माइनस के फोर कॉस्ट टू थीटा ध्यान रखना और ये टू से करने पर क्या आ गया फोर रूट थ्री साइन टूटीटा उसको पहले लेते प्लस वाले को फोर रूट थ्री साइन टू थीटा माइनस के फोर कॉस टू थीटा इतना आया कि नहीं आया बताओ अब आपको आर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो इस डिनोमीटर में जो है, इसकी पुट कर दो और आपको पता होगा ए साइन टीटा प्लस बी कॉस टीटा की रेंज क्या होगी माइनस के रूट ए स्कब बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बच्चों इसकी मिनि वैल्यू क्या होगी माइनस के रूट दिस देना फिर इसका कर देना रेसलाइजेशन तो आपको आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो आर के लिए रूट ले लेना ले ले उसका ठीक है तो इस तरीके से करना है चलो ठीक है दोनों पार्ट करना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपसे इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा सेक्शन एक सेकेंड सेक्शन बी की तो देखो सेक्शन बी में क्या करना है एक बार करते हैं इसको स्टार्ट सेक्शन बी में टोटल सिक्स क्वेश्चंस हैं तो देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया देखो ए बैग कंटेन फोर टिकट टिकट मार्क्ट विद नंबर डबल वन टू वन टू वन टू डबल वन एंड ट्रिपल टू मतलब फर्स्ट टिकट पे जो नंबर है वो क्या डबल वन टू है सेकेंड टिकट पे वन टू वन है थर्ड टिकट पे बनाए टू वन वन और फोर्थ टिकट पे है टू 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 क्वेश्चन में बोला गया कि वन टिकट इट ड्रॉन रेंडम एक टिकट को आपको सिलेक्ट करना है देन ट दैग फिर क्या बोला गया इवेंट ई आई का मीनिंग क्या है टू लेने पे ई टू इवेंट डिफाइन है और थ्री लेने पर आपको ई थ्री इवेंट डिफाइन है और क्या बोला गया इवेंट दिजिट ऑन टिकट इज टू आई एथ डिजिट ऑन टिकट इज टू जिसलेट आपने आई को वन लिया तो ईवन का मीनिंग है फर्स्ट डिजिट

ई टू पीई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप तो देखो तो स्टार्ट करते हैं इसको तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे पीई वन का मीनिंग क्या लिखोगे देखो पीई वन इक्वल टू ई वन का मीनिंग क्या था कि फर्स्ट डिजिट हैज नंबर टू फर्स्ट डिजिट पे टू आना चाहिए तो देखो सैंपल स्पेस तो फोर होगा ना कि टोटल फोर नंबर है करना है क्या है आपको एक नंबर को सेलेक्ट करना है तो p even का मीनिंग है कि उसकी यूनिट प्लेस पे या सॉरी लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए नंबर टू आना चाहिए तो देखो टोटल फोन नंबर ये तो सिंपल पे है और फेवरेबल केस का मीनिंग क्या है कि यूनिट प्लेस हैज डिजिट टू तो ओनली टू नंबर हैं आपके जिनके यूनिट प्लेस पे सॉरी जिसके फर्स्ट प्लेस पे डिजिट आपकी 2 है तो क्या आ गया 2 अपॉन 4 तो ये आ जाएगा 1/2 सिमिलरली PE2 का मीनिंग क्या होगा? दो नंबर तो लास्ट भी आपका वन बाई टू आने वाला है क्योंकि पी थ्री का मीनिंग क्या होगा यूनिट प्लेस पे आपका टू आना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे टू भी आपके दो नंबर पे होगा फर्स्ट और लास्ट में तो दिस इज टू अपॉइंट फोर और आपको अगर इवेंट को इनडिपेंडेंट चेक करना है जैसे लेट आपसे बोला जाए कि ईवन एंड ई टू आर इनडिपेंडेंट इवेंट तो इसका मीनिंग क्या होगा पी इंटरसेक्शन टू इक्वल क्या निची? दोनों का मल्टीप्लाई ये सबने पढ़ा होगा आपने तो देखो वन बाई टू वन बाई टू ये तो वन बाई फोर आ गया इवन इंटरसेक्शन ई टू की मीनिंग क्या होगा ईवन इंटरसेक्शन ई टू का मीनिंग है कि यूनिट प्लेस पे भी सॉरी फर्स्ट डिजिट भी आप और सेकेंड प्लेस पे भी नंबर टू आना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे भी टू और सेकेंड प्लेस पे भी आ गया टू तो क्या जाएगा 4, तो आ गया, इसका मतलब ई वन एंड ई टू आर इनडिपेंडेंट इवेंट सिमिलरली अगर आपने ई टू थ्री की बात की तो ई टू थ्री का मतलब सेकेंड और थर्ड डिजिट सेकेंड और थर्ड प्लेस पे भी आपके नंबर टू आने चाहिए या डिजिट टू आने चाहिए तो उसका भी एक ही ऑप्शन होगा और E1, E3 पे भी आपका टू आना चाहिए उसका भी एक ऑप्शन है तो ईवन ई टू के साथ इंडिपेंडेंट होगा ई टू थ्री के साथ भी क्या होगा इंडिपेंडेंट और ईवन ई थ्री के साथ भी क्या होगा इंडिपेंडेंट तो इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन तो आ गया करेक्ट अब अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करोगे तो फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला गया थ्री आर इंडिपेंडेंट

देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है गुड क्वेश्चन है लेट एफ आर टू आर वी एन इनवर्टाइवल पोलिनोम फंक्शन एक पोलिनोम फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है और ये इनवर्टाइवल है इसका मतलब उसका फाइंड आउट कर सकते हैं इफ दी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एफ एनवर्स एक्स ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू एफ एनवर्स एक्स इज रूट्स अल्फा एंड बीटा और बीटा अल्फा से ग्रेटर है क्वेश्चन में बोला गया है

और उसी पे क्या करेंगे इंटरसेट क्योंकि क्वेश्चन जब बोली दिया कि अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसके जो रूट से अल्फा बीटा वो लाइन की तो आपने क्या किया एफ एक्स अगर आप फंक्शन को एफ एक्स लेट करोगे तो इसका इनवर्स कैसे होगा यूं होगा ना वर्ट डायग्राम पॉसिबल नहीं होगा क्यों क्योंकि इस केस में तो इसके मिनिमम क्या होंगे थ्री रूट उसने तो बोला गया एग्जैक्टली टू रूट है और अगर एग्जैक्टली टू रूट की बात की गई तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ऐसे बना लो डायग्राम एक बार उसको टर्न मत लो और क्या है ठीक है तो अगर आपने डायग्राम ऐसे ले लिया यूं ले लो तो दो रूट है ना बीटा बट ऐसे अगर लोगे तो ये पोलिनोम फंक्शन नहीं होगा क्योंकि पोलिनोम तो होगा बट क्वेश्चन ने एक बात बोली गई है फंक्शन आर टू आर में इन्वर्टेबल है अगर फंक्शन आर टू आर में इनवर्ट मतलब एवल है तो वो वन होगा और का मतलब उसकी रेंज को डोमेन आर की कुल होनी चाहिए तो को डोमेन आर की कुल कब आ सकती है जब फंक्शन जो पोलियोलो फंक्शन है उसकी डिग्री ऑड होगी इवन डिग्री केस में जैसे एक्स है अगर क्वार्टिक की बात करोगे तो या तो

तो फिर इसका पॉसिबल डायग्राम क्या होगा उसको देखते हैं अपने एक बार बस यही मैंने इसमें तो देखो ब्लैक बोर्ड पे सभी इसके टू पॉसिबल डायग्राम से तो एक ड्रॉ कर लेते क्योंकि सेकंड पॉसिबल डायग्राम ही सेम ही होगा आपका इक्वल टू एक्स की लाइन है आपकी ठीक है तो इसमें क्या करना होगा जैसे लेट आपको एफ एक्स का डायग्राम चाहिए तो एफ एक्स के डायग्राम के लिए देखो ये वन रूट है ये टू रूट है उसके बाद डायग्राम को आप वंस अगेन ऐसे टर्न लोगे तो देखो ये तो जा रहा है माइनस इन्फिटी की तरफ वो प्लस इन्फिटी की तरफ तो ये फंक्शन और डिग्री का पोलिनियम हो सकता है अगर ये एफ एक्स का डायग्राम है तो देन इसका इन्वर्स क्या होगा देखो सॉरी इसको इन्वर्स मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो एफ एक्स का डायग्राम आपका फिर यूं होगा ये आपका एफ एक्स का डायग्राम है ठीक है तो इसका एक रूट तो अल्फा ये है और ये लेट इसका बीटा रूट है सही है ना तो अल्फा एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा इनवर्स को भी तो लिख सकते ना एफ एफ ऑफ ऑफ अल्फा अल्फा भी होगा और बीटा भी आपका बीटा होगा ठीक है और एफ इनवर्स अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं और एफ इनवर्स बीटा को बीटा लिख सकते हैं आपकी इतना आने के बाद देखो अपन को वन बाई वन ऑप्शन में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में तो बोला गया है कि अल्फा से बीटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन लगा दिया एफ इनवर्स एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी तो इसके लिए काम कर सकते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं X को Ft, इसमें लगाओ सब्टीटन तो डीएक्स कितना जाएगा बताओ एफ डैश टी डी टी क्वेश्चन क्यों आपने इनवर्स का इंटीग्रेशन तो इसको तो आप एजीटी रखो और इसको देखो अगर ये लिखोगे तो क्या गया dx तो आ गया एफ टी एफ डैश और बेटा x को जब एफ टी पुट करोगे तो f से f इनवर्स कैंसिल होगी क्या आ गया t एफ डैश टी इन टू यस सर इसके इंटीग्रेशन के लिए इसको फर्स्ट लेट करो उसको सेकंड तो देन वी विल यूज आई लेट ठीक है अब लिमिट में देखो क्या करना है जब x को अल्फा लोगे तो क्या आ गया f ऑफ t इक्वल टू अल्फा तो t आ गया f इनवर्स अल्फा और f इनवर्स अल्फा की वैल्यू भी अल्फा होगी सिमिलरली f इनवर्स बीटा की वैल्यू भी बीटा होगी। इसका मतलब लिमिट डज नॉट चेंज तो अब देखो किस, इसका करते हैं इंटीग्रेशन कैसे करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज f डश t का इंटीग्रेशन क्या होगा f ऑफ t आईलेट के अकॉर्डिंग और लिमिट क्या लगाओगे अल्फा से बीटा माइनस इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा t का डिफरेंशिएशन वन होगा रिमूव करो और f डश t का इंटीग्रेशन वंस अगेन f t dt यस सर

तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया उसको रीड करें एक बार आप f डबल डैश x 0 हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन अल्फा से बीटा क्या f डबल डैश x का एट लीस्ट वन रूट होगा क्या अल्फा से बीटा में तो इसके लिए देखो क्या करें अपन तो उसमें f ऑफ अल्फा अल्फा आ रहा है f ऑफ बीटा आपका बीटा आ रहा है तो देखो सबसे पहली बात तो ये देखना इसमें एक फंक्शन ऐड करते हैं जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स अभी अलग वेराइटी का क्वेश्चन है एक तो देखो जी ऑफ अल्फा भी जीरो आ गया और जी ऑफ बीटा भी जीरो आ गया यस सर तो एफ एक्स आपका पोलिनोवल फंक्शन है तो जी एक्स भी क्या होगा पोलिनोवल फंक्शन जी अल्फा जीरो जी बीटा जीरो इसका मतलब थ्योरम के अकॉर्डिंग

चलो इसने जी एक्स माना है एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स x माइनस टू तो इसको भी देख सकते हैं अपन ये एक अलग ऑप्शन मान सकते हो अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो उसको भी टिक कर सकते हैं इसने जो फंक्शन माना है जी एक्स ये नहीं मानना अपन को तो इसको रिमूव कर देते हैं इसने जी एक्स फंक्शन बेटा लेट किया दर, देखो एफ एक्स प्लस एफ इनवर्स x माइनस के टू तो सेम ही है ना इसमें एक्स को अल्फा लोगे तो जी अल्फा क्या होगा एफ अल्फा एफ अल्फा तो एफ अल्फा भी अल्फा है एफ अल्फा भी अल्फा है और उधर माइनस टू अल्फा तो जीरो आ गया सिमिलरली बीटा भी आ गया तो सीधा बोल सकते हैं ना कि हाँ जीडेस एक्स इक्वल टू जीरो का अल्फा से बीटा के बिटवीन हंड्रेड परसेंट एक रूट एग्जिस्ट करेगा ये सर चलो उसके बाद देखो सेकेंड ऑप्शन में आपको डबल डैश की बात की गई है तो देखो केयरफुली सबसे पहले इस पॉइंट पे देखो इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन fx की बात करता हूं तो इस पॉइंट बीटा पे इसके टेंजेंट का स्लोप क्या होगा एक्स और बीटा पुट करने पे क्या आ जाएगा f' बीटा थोड़ा केयरफुली देखना अरे इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा f' बीटा f' में आपने पॉइंट पुट किया बीटा और ये f' बीटा आपका 1 के इक्वल होगा ना क्यों क्योंकि तो पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कौन है ये वाई इक्वल टू एक्स है जिसका स्लोप वन होगा ठीक है तो एफ डेस बीटा आपका वन आ गया एक तो इससे पता चला सिमिलरली एक बात और देख सकते हो आप अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को लेके काम करता हूं तो ये देखो ये इस पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इस अल्फा बीटा जो कॉर्ड है इसकी स्लोप के इक्वल होगा ना जैसे लेट ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है तो लेट ये पॉइंट है आपका गामा तो पॉइंट गामा पे जो टेंजन का स्लोप है वो ए बी कॉर्ड के स्लोप के होगा तो वंस अगेन इस पॉइंट पे टेंजन का स्लोप क्या होगा एफ डेस गामा इज वंस अगेन वन आ गया ना और सीधी सीधी बात है कि दो पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू सेम होती है तो उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव हैज एट लीस्ट वन रूट अकॉर्डिंग टू रोज सिरम क्योंकि तो जब एफ एक्स आपका पोलिनोमल फंक्शन है तो एवडेस एक्स भी पोलिनोमल होगा तो वो भी आपका कंटिन्यूअस भी होगा डिफरेंशियबल होगा तो देन रोहित शर्म के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे दो पॉइंटों पे वैल्यू अगर सेम है तो एवडेस बीटा एवडेस गामा मेरा इक्वल है तो देन क्या बोल सकते हैं कि एफ डबलडेस इक्वल टू जीरोज एट लीस्ट वन रूट इन बीटा से गामा सॉरी गामा से बीटा तो अब गामा की जगह अल्फा लिखने में क्या दिक्कत है जो रूट है वो आपका इधर होगा कहीं गामा से बीटा के बीच में तो मैं अल्फा से बीटा उसको बोल सकता हूं तो देन इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा ये तो देखने अपन को ऐसे अब इसमें एक फोर्थ ऑप्शन और बोला गया है कि बताओ पढ़ते हैं एक बार वन सेकेंड मिनिमम डिग्री ऑफ एन ऑफ एफ एक्स इज की एफ एक्स की मिनिमम डिग्री क्या होगी तो इसको चेक करने का देखो क्या मेथड है एक सिंपल सी बात देखो जब आपको पता है इधर देखो एफ डेस बीटा बने एफ डेस गामा बने इसका मतलब डबल डेस के अल्फा से बीटा में एटलीस्ट वन रूट है थोड़ा केयरफुल देखना या फिर इसे समझ सकते हो एफ डेस गामा का एटलीस्ट वन रूट है और या फिर डबल एफ डेस बीटा की वैल्यू दो पॉइंट पे सेम है इसका मतलब एफडेस बीटा या फिर एक फंक्शन लेट करके काम कर दो तो ज्यादा बेटर है आपने एक फंक्शन लेट किया Fx -x. इस Fx -x में अरे सिंपल ऐसे समझ सकते हो इसका एक रूट रिपीटेड पड़ेगा इसमें क्योंकि सीधी सीधी बात ऐसे समझो ना दो रूट तो आपको सीधे दिखते हैं अल्फा और बीटा अगर आपने जीएक्स फंक्शन माना एफ एक्स माइनस एक्स तो इसके टू रूट तो दिख रहे हैं जी अल्फा जीरो करता हूं तो डिफ्रेंशियन से आप जल्दी समझ पाओगे कैसे देखो आपने यदि इसको किया जी एक्स तो जीडेस क्या होगा एफ एक्स माइनस के वन अब देखो ना जीडेस एक्स में मैं बीटा को पुट कर सकता हूं तो जीडेस जी डेस के मिनिमम टू रूट होंगे और जब जी डेस के मिनिमम टू रूट है तो जी एक्स के मिनिमम थ्री रूट होंगे इसका मतलब जी एक्स की जो डिग्री है मिनिमम वो आपकी थ्री होगी तो इसने ये पूछा गया है कि मिनिमम डिग्री ऑफ मिनिमम डिग्री ऑफ जी एक्स तो जीएक्स की मिनिमम डिग्री आपकी तो जब GX की क्या करोगे एक्स को दे ले आओ तो डिग्री थ्री में एक्स एड करोगे तो भी वो क्या होगा डिग्री थ्री का होगा तो देन पोलियम की भी मिनिमम डिग्री आपकी थ्री होगी इस तरीके से करना है तो अभी इसका ओनली सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा ठीक है चले

लेट स्टेप एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी जब एक्स मेरा जीरो सेवन है तो एक्स को अगर जीरो से वन लेते हैं तो अपन को फंक्शन लेना नीचे वाला और इस फंक्शन में देखो ना अपन को पता है स्टेप के अंदर इंटीजर तो इंटीजर को सिंपल अपन उसके बाहर ला सकते हैं तो देखो सेकंड में को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस स्टेप एक्स माइनस वन क्योंकि बाहर माइनस है, है ना और ऊपर वाले को तो सेम रखना है तो अगर आपने सेकंड में स्टेप एक्स को जीरो माना तो जीरो आ गया तो देन आपका ये आ गया x माइनस वन का मोड क्या एक्स माइनस वन का मोड ये लो वन पे वैल्यू जीरो होगी जीरो पे वन तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन जाएगा ये अब बात करते हैं x की वैल्यू अगर वन से टू है तो क्या करोगे तो स्टेप x को वन लेने पे x क्या होगा वन से टू तो स्टेप x अगर वन है तो x वन से टू होगा ना तो इस केस के लिए अपन इसका अप फंक्शन लेंगे और स्टेप x को वन लेने पे वन सेगिन आ गया x माइनस वन का मोड x माइनस वन के मोर्ड पे वन पे जीरो टू पे गया, तो ये ऐसे बनेगी अब बात करते हैं टू से थ्री तक बनाना है हो तो देखो टू से थ्री का मतलब स्टेप एक्स जब टू तो से थ्री होगा तो स्टेप एक्स को टू लोगे आप तो स्टेप एक्स को टू लेने पे क्या गया एक्स माइनस थ्री का मोड तो चलो इसको थ्री कर देते समझाने के लिए तो टू लेने पे तो कितना आ गया वन और थ्री लेने पे जीरो आ गया और जब स्टेप एक्स को थ्री लोगे ना तो वन सगेन क्या आ गया एक्स माइनस थ्री का स्टेप तो थ्री पे जीरो आ गया और ये लो ये डायग्राम ऐसा है ना उसके बाद ये डायग्राम वन सगेन क्या होगा रिपीट होगा ऐसे ही मतलब आप केवल ये देख लो इसको इसके बाद डायग्राम फोर के बाद डायग्राम रिपीट है या फिर ये देख सकते हो जीरो से वन बाई टू के बिटवीन ऐसा डायग्राम है ये इसका उल्टा है उल्टा क्या सेम ही हो गया ना देखो ये ऐसा है फिर वंस अगेन आपका ऐसा आ गया मतलब ये टू के बाद ही रिपीट है आपका मतलब इस फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है टू हो गया ना तो देखो जीरो से टू में इसका एरिया क्या होगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो उसमें एरिया को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि फंक्शन में मोड आ रहा है ये ऑल ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो एक्स एक्सेस से अप है तो अगर ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो एरिया बोलो या डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही मीनिंग है ठीक है ना तो चले तो जीरो से टू में इसका एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू वाइट तो बेस टू है या फिर वन बाई टू वन इंटू वन प्लस वन बाई टू वन इंटू वन तो इसका एरिया क्या आ गया वन मतलब जीरो से टू में Fx, Dx का जो एरिया है वो आपका वन होगा मतलब दो के इंटरवेल में एरिया का टू आ गया तो देखो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जब जीरो से टू में एरिया आपका वन है तो टू से फोर में एरिया आपका वन होगा तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा माइनस टू से फोर में देखो कितने इंटरवेल है टू के मल्टीपल के माइनस टू से जीरो जीरो से टू और टू से फोर तो टोटल थ्री इंटरवेल है तो ये भी करेक्ट होगा और माइनस वन से वन में एरिया जीरो गलत क्योंकि ये तो हॉल पॉजिटिव होगा माइनस वन से वन इसका भी डिफरेंस आपका टू है तो अगेन वैल्यू वन होगी आपकी अभी आपका ओनली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा तो ठीक क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन आईआईटी जेई में ऑलरेडी आ चुका है ध्यान रखना उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हाँ ये बहुत मस्त क्वेश्चन है ठीक है इसके बारे में पहले सुन लो दो मिनट के लिए ऐसा क्वेश्चन 2008 या 9 में आईआईटी जेई ने पूछा था उसमें सेम क्वेश्चन था ऐसे ही कि एसएन और टीएन दो सीरीज गिवन थी तो आपको बताना था कि एसएन और टीएन में से कौन किससे ग्रेटर या लेस है व्हाट इसमें एक नई चीज और पूछ ली उसने मैं इसकी बात करता हूँ फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन की इसको तो मैं सीधे समझ सकता हूँ कॉनकेविटी के अकॉर्डिंग बट अब अपन को दोनों के डायग्राम को ऑब्जर्वेशन से देख के उनके समेशन को देखना है कि वो वन बाई थ्री से ग्रेटर हो गया से लेस तो देखो क्या करना है बेसिकली इसमें इसको थोड़ा केयरफुली देखोगे तो पता है क्या है इसको अपन की में लिख सकते हैं। इसको करना है से। से। से वो आर इनको करने वाले से। तो देखो क्या करना है? इसमें एस को लिख सकता मैं तो कितना है टू की पावर फाइव की पावर सिक्स टू की पावर फाइव है टू की पावर ट देख लेना आप करके तो इसका मीनिंग क्या है आर की पावर फाइव अपॉन एन की पावर सिक्स करके देख लो आप जैसे आपने आर हाँ, सॉरी ये थ्री की पावर फाइव है टू की पावर फाइव है आर को वन लोगे तो फर्स्ट आ जाएगी टू लेने पे सेकंड, थ्री लेने पे थर्ड और एन लेने पे वन बाई एन आ गया सिमिलरली टी एन का मीनिंग क्या है? वो देखो उसको भी इधर लिख देते हैं इसको थोड़ा और ढंग से देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन टेंग टेंग टू एन की पावर एन। अपन लिमिट टू सिग्मा से इसका तो क्या करते हैं आर अपॉन एन को एक्सलेक्ट करते हैं वन को डी तो क्या जाएगा क्वेश्चन पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देख लो फिर आगे बात करते हैं इसमें तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप क्या करोगे मतलब एन अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है तो इसमें अपन लिख सकते हैं तो क्या क्या? X की 5 dx, और को पता है R upon N को x करते हैं, तो आर को वन लेने पर एन को पुट करोगे तो लोअर लिमिट जीरो बनेगी और अपर लिमिट वन तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बाई सिक्स आती है मतलब जब एन इनफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो इस इसकी वैल्यू जब की तरफ अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी और जो अगला है आपका टी न, उसमें आपकी 1 है. तो की, एन की जगह एन माइनस वन लेने से भी इनफिनिटी की केस में वैल्यू वन बाई सिक्स की तरफ अप्रोच करती है बट अपने क्वेश्चन में एस एन ये डिफाइन है तो इसका मीनिंग क्या वो देखो इसमें तो केवल आर को वन से एन तक लिया गया है उसके बाद देखो क्या करना है इसमें तो जो अपनी सोल्व करते हैं क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है एग्जैक्ट आंसर के लिए अपन को क्या करना है डेफिन इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो देखो ब्लैक बोर्ड पर क्या करें अपन एस की बात करते हैं तो ये फंक्शन क्या है एक तरीके से एक्स की पावर फाइव का फंक्शन है ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फाइव का तो मैं इस समेशन को ड्रॉ करके बताऊंगा कि समेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका मीनिंग क्या है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप का समीशन है उन स्मॉल स्मॉल स्टेप को जब लेके तो आना ले तो उसके लिए क्या करोगे अपन को दिस इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का हेल्प है तो देखो अपने क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो क्या है एक्स की पावर फाइव अगर आप आर अपन आर अपन एक्स में लेट करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका फंक्शन आ गया y x की पावर 5 अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में देखो आपने अगर r को 1 लिया तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या आने वाली है 1 n की पावर 5 इसको समझो इधर 1 n प्लस अगर आप r को 2 लोगे तो सेकेंड स्टेप भी 2 n की पावर 5 1 n और अप टू तो सोनी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी n टाइम्स तो देखो इसको मैं ये क्या है ये लेंथ इनटू हाइट का एक फॉर्मूला है क्योंकि जब इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिनोट करोगे तो ये क्या होगा एक रेक्टेंगल के एरिया का समेशन डिनोट करेगा तो देखो ब्लैक बोर्ड पे अपन क्या करेंगे इसको इक्वल लेंथ के रेक्टेंगल में डिनोट कर देते हैं एन स्टेप्स में जैसे लेट ये मैंने वन बाई एन मान लिया कि लेट ये वन बाई एन की लेंथ है ये आपने लेट कर दिया टू बाई एन आपने इसको लेट किया थ्री अपोन एन इक्वल लेंथ में आपने क्या किया इसको डिनोट किया और इसके बाद इधर मान लिया आपने इधर देखना केयरफुली एन माइनस वन अपोन एन और लास्ट स्टेप ले, लेट किया आपने एन अपोन एन ठीक है तो देखो क्या होगा इसमें ये लेंथ आपकी वन बाई एन है और एक्स को वन बाई एन लोगे तो ये पॉइंट कितना होगा वन बाई एन की पावर फाइव वन बाई एन की पावर फाइव

अगले के अकाउंट रेक्टेंगल दिस होगा अगले के अकाउंट रेक्टेंगल दिस होगा अगले के अकाउंट रेक्टेंगल दिस होगा तो आपने जो इंटीग्रेशन किया है ये तो कौन सा है ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसका एरिया है बट जब आप जब आप इसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या करोगे डिवाइड करोगे तो देखो इसमें ये एरिया थोड़ा एक्स्ट्रा होगा इसका मीनिंग जो एस एन की वैल्यू है वो इन्फिटी की वैल्यू से क्या होगी ग्रेटर ये वन बाई सिक्स से ग्रेटर होगा तो इस केस में लिख सकते हैं कि SN की वैल्यू क्या होगी वन बाई सिक्स से ग्रेटर तो एस एन तो आ गया आपका वन बाई सिक्स से ग्रेटर उसके बाद देखो क्या करना है अब बात करते हैं टीएन TN की टीएन TN केस में कुछ नहीं करना उसको एन माइनस वन तक जाना है कहां जाना है एन माइनस वन तक तो उसके लिए कैसे करना है देखो है तो सेम चीज उसमें एन माइनस वन तक की बात करोगे तो देखो उसको थोड़ा अलग पेन से ड्रॉ करता हूं मैं आपको उसमें स्टेप को थोड़ा अलग वे में लेना है जैसे ये स्टेप लेनी है उसके अंदर तो इसमें क्या करो ये तो लेंथ, इसकी लेंथ लेट करो 1 एन, और उसकी हाइट क्या की पावर तो फाव। तो ये तो है वन एन की पावर और ये वन एन है तो इसके केस में स्टेप लो आप ये वाली तो ये स्टेप लेट करो तो ये इसकी स्टेप होगी फिर सेकेंड स्टेप में क्या करोगे ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है टू बाई एन की पावर फाइव तो ये स्टेप होगी अगले केस में ये थ्री अपोन एन की पावर एन इसकी हाइट है और ये लेट वन वाई एन मतलब स्टेप को आपने एक आगे शिफ्ट कर दिया और अगर लास्ट में हाइट क्या होगी एन माइनस वन अपोन एन की पावर फाइव और उसकी विड्थ क्या होगी वन वाई एन तो देन लास्ट स्टेप इस इसकी क्या होगी ये तो इसकी हाइट होगी और ये इसकी विड्थ होगी तो जो मैंने ये ब्लू पेन से बनाया है ये आपका कौन सा एरिया है टी एन ये टी एन को डिनोट करता है यस सर तो देखो थोड़ा केयरफुली देखना एस एन के एरिया में तो जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है इस रेड वाले डायग्राम से ऊपर है सारा सारा इसका मतलब एस एन की वैल्यू तो वन बाई सिक्स से ग्रेटर होगी वीएन का जो एरिया है आपका ये टी एन है और ये आपका एस एन है और टीएन की किस्म क्या है जो टीएन का एरिया है बेटा वो ये रेड वाला एरिया है उसमें ये जो पोर्शन मैंने मार्क किए इनसे कम है ये थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया ना इसमें मेरी बात को ये एरिया है किसके अंदर? के अंदर. जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, है. तो मतलब, जीरो बोलो लेस होगी और इतना समझ में आ गया तो एस एन प्लस टीएन का आंसर क्या होगा वो सीधा डायग्राम में बस डायग्राम को केयरफुली बनाए तो ये क्वेश्चन अभी तक आई आई टी ने नहीं पूछा दो क्वेश्चन पूछ चुका है वो दिस और दिस

कि एड होके इक्वल टू वन वाई सिक्स आएगा ऐसा नहीं होगा देखो इसमें अगर बात करोगे ये डायग्राम कॉनकेव अपवर्ड है देखो जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है आपका अगर स्ट्रेट लाइन लोगे तो दोनों एरिया सेम होंगे और अगर आपने इसको यू बना दिया नीचे से ऊपर तो देखो फिर ऊपर वाले एरिया ज्यादा हुआ ना इसका मीनिंग ईच अगर रेक्टेंगल की बात करोगे तो इसमें जो एरिया एड हुआ है ये एरिया इस माइनस वाले एरिया से ग्रेटर है केयरफुली देखें आप क्योंकि डायग्राम कौन के अब, अब है तो ये ब्लैक वाला एरिया क्रॉस वाले या रेड वाले एरिया से कम है ना इसका मतलब ये ऐड करना है इसको करना है तो कम फाइनली ऐड और पे एरिया कुछ ऐड होगा क्योंकि ये पार्ट ज्यादा है उसमें ऊपर ज्यादा है इसमें भी ज्यादा है मतलब जितनी बार आपने ऐड किया उतनी बार माइनस हुआ बट एडिशन वाला एरिया ग्रेटर है और सब्टेक्शन वाला एरिया लेस है तो देन एस एन प्लस टीकाशन से क्या होगा ग्रेटर होगा और बाई चांस ये डायग्राम अगर कॉनकेब डाउनवर्ड हो तो फिर उल्टा हो जाएगा आंसर ठीक है वो क्वेश्चन में आएगा जब देखना भी छोड़ो आप तो अभी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे हाँ इसमें ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो एस एन वन बाई सिक्स इसका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बच्चों सॉरी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है चलें

आर ऑल्सो टेंजेंट्स एट द दिलिप्स रेक्सपेक्टिवली मतलब आर ऑल्सो देशर एक्सेस ऑफ द इलिप्स रेक्सपेक्टिवली मतलब आपने क्या किया है कि जो इलिप्स है अभी देखते हैं इलिप्स के बारे में क्या बोला गया उस इलिप्स के जो मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट है उसमें भी क्या करोगे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देन होगा क्या सच दैट एम एन इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिलिप्स एट पॉइंट पी मतलब जो एम एन है वो भी आपका उस इलेप्स के पॉइंट पी पे क्या है एक टेंजेंट है इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है तो देन विच ऑफ दिस इलिप्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलेप्स सेंटर ऑफ द इलिप्स और इक्वेशन ऑफ द डायज तो सब कुछ सिंपल है अपन को एलिप्स की इक्वेशन के बारे में थोड़ा आइडिया लेना है उसकी एसेंट्रिसिटी ए और बी मिल जाए तो फटाफट सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके ठीक है तो देखो इसमें करना है क्या बेसिकली इसमें माइनस थ्री है है। और ये डायमीटर है फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टीन बस ये दो ही काम के इनको लिख लेते हैं साइड में फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फिफ्टीन है और इसका सेंटर आ गया थ्री -3 ठीक है अब एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है आपको प्रॉपर्टी क्या है उसको देखने से पहले इसमें क्या बोला गया देखो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि x का सर्कल का सेंट सॉरी ये सर्कल है आपका और ये इसका डायमीटर गिवन है और इसका सेंटर कहीं इधर होगा ठीक है ये पॉइंट m है और ये पॉइंट आपका n बोला गया अब इसका दो जो स्लोप है वो कितना है 4 है और जो लाइन है कौन सी वाईक्वल टू एक्स वो उस एलिप्स का क्या है मेजर एक्सिस है इसका मीनिंग वो वाई इक्वल टू एक्स कट करेगी ना तो करने दो कट उससे मेरे को मतलब भी नहीं है वैसे वो रफली लाइन ऐसे होगी आपकी तो इस केस में क्या करना अपन को ये जो लाइन है आपकी है इसकी अलोंग आपका एलिप्स है मतलब ये इसकी मेजर एक्सिस है अगर ये इसकी मेजर एक्सिस है तो देखो रफली अपन कैसे ड्रॉ करेंगे एलिप्स जब एलिप्स ड्रॉ करोगे तो एलिप्स इसका ऐसे होगा बेसिकली यूं एकदम रफ़ली डायग्राम बनाया हाँ सॉरी ऐसे नहीं करना इसको अपन को टच भी करना है क्योंकि उसने इसको टेंजेंट भी बोला गया एक मिनट ओके ऐसे लेट करना देखो ये सर्किल है आपका ये M N पॉइंट है आपका ये लाइन है वाई इक्वल एक टू एक्स की कटवट छोड़ो आगे अब क्वेश्चन में बोला गया कि एलिप्स का जो मेजर एक्सेस है उसके एंड पॉइंट्स पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट एम और एन को भी टच करके जानी चाहिए इसका मतलब पहली टच करा दो उसको ये लो यू और इधर ऐसे लोगे तो एलिप्स का जो एंड पॉइंट्स है वो ऐसे होंगे और ये एलिप्स इस डायमीटर को भी क्या करता है टच करता है ऐसे यू ये एलिप्स का डायग्राम है आपका ठीक है तो करें क्या इसमें ठीक है क्वेश्चन समझे मेरी बात एक सर्किल है जिसका डायमीटर गिवन है उसके बाद एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है के अलोंग है एंड इलिप्स के एंड पॉइंट्स पे जब आप क्या ड्रॉ करते हो टेंजेंट तो वो करोस्पिंग एम और एन पी मीट करती है और ये इलिप्स इस डायमीटर को भी टच करता है पॉइंट पी पे तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए बात करोगे तो देखो इससे फाइनल मीनिंग आने क्या वाले

इसको ये कट करती है इन्हीं को बोला गया पॉइंट एम और एन ठीक है ना इनको क्या बोला गया पॉइंट एम और एन और ये एम और एन क्या है एक सर्किल के डायमीटर हैं, और ये आपको पता होगा शायद मेरे अकॉर्डिंग कि इलिप्स के किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट को जिन पॉइंटों पे कट करती है इन एंड पॉइंट पे आपने ड्रॉ रोकी दिस और दिस और किसी पॉइंट पी पे ड्रॉ रोकी उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को एक सर्किल का डायमीटर लेट करके अगर एक सर्किल करोगे कि ड्रॉ दी सर्किल कंसीडर दी एम एन एज ए डायमीटर देन इट्स सर्किल पासिंग थ्रू दी फुकाय ऑफ दी एलिप्स ये प्रॉपर्टी इसको याद रखें भी कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है इस पॉइंट पे टेंजेंट की क्वेश्चन लेट करो एक्सपोन को अल्फा

इनसे पास होगा इसका मतलब यह पता चल गया। गया क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया था कि जो y है, है वो उसकी क्या है? की मेजर उस ना? तो ना ये और सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपकी होंगी तो कुछ नहीं करना सर्किल में जब y को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको दोनों फुकाए मिल जाएंगी टू रू टू कोमा टू रू टू और माइनस टू रू टू कोमा माइनस रू टू माइनस के टू रू टू ये क्वेश्चन खुद करना आप इतना आ गया और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी टू ए, -ए, तो टू ए, -ए की वैल्यू आप लिख सकते हो बहुत और ये की वैल्यू आने वाली है एट कर लेना अरे टू रू टू रू टू कोमा टू रू टू और माइनस टू रू टू का माइनस टू रू टू के बिटवीन डिस्टेंस को टू ए के इक्वल कर देना तो देन इट इज एट इतना आने के बाद अब बी की वैल्यू की बात करते हैं अपन तो b की वैल्यू के लिए देखो बहुत अच्छा रिलेशन आपने पढ़ा होगा कि देखो ये जो लाइन है क्या इसकी टेंजेंट है ना किसकी ये इलिप्स की तो टेंजेंट है और सर्किल का डायमीटर है यस सर और सर्किल का डायमीटर आपको गिवन है कितना 4x एक्स माइनस वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा देखो इसको देन क्या करो क्या पढ़ा अपने कि इलिप्स के किसी पॉइंट पे टेंजेंट है उस टेंजेंट पे दोनों फोकस से

बी तो स्क्र की वैल्यू नाइन आएगी तो देन बी जाएगा थ्री और बी थ्री आ गया तो एसेंटिसिटी की फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो ए आपका फाइव होगा और ए को फाइव लोग तो e आ गया बी आ गया ई e आ गया तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन फिनिश और थर्ड ऑप्शन तो सिंपल है जब आप ये बताओ जब उसकी मेजर एक्सिस तो वाई इक्वल टू एक्स है तो माइनर एक्सिस क्या होगी

ये इसकी फुकाएं होंगी दोनों कहीं भी और माइनर एक्सिस कैसे होगी ऐसे क्योंकि तो ये इसका सेंटर आ गया ना मिड पॉइंट तो देखो इसकी डायरेक्ट क्या होंगी एक इधर होगी ना ये क्या होगी इसके पैरल और इसकी इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो के पैरल लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई यस सर तो देन

तो ये लेंथ आपकी टोटल फाइव है ये एंगल आपका फोर्टी फाइव डिग्री है तो क्या पड़ा है तो ये पॉइंट पॉइंट आ गया इस को इसमें पुट कर देना कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सॉरी गलत बोल दिया पच्चीस वटे चार आएगा कितना आएगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर होगा ठीक है हो 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 हो, चलो तो गुड क्वेश्चन था तो इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा

एल्फा वन माइनस वन प्लस आप अगले को भी लिख देना ऐसे अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फाइन सबको लिख लेना है इसको और ये बेटा होल स्क्वायर का बनने वाला अभी एक मैं बना देता हूं बाकी आप बनाना इसको पता है क्या लिख सकते अपन इसको लिख रूट एल्फा वन माइनस वन का होल स्क्वायर देखो उसको ओपन करो यही आने वाला है स्क्वायर करने पे अल्फा वन माइनस वन प्लस वन माइनस टू भी दिशा गया सिमिलरली जब सेकंड की बात करोगे तो सेकंड में आने वाला रूट ऑफ बस ये दिखना चाहिए इसका कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास दिखाने का ऐसे ही थर्ड लिख देना ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा फोर्थ तो चार होल स्क्वायर का सम जीरो का हो सकता है होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल टू जीरो का हो सकता है जब ऑल टर्म्स आर जीरो साइमल्टेनियसली तो इसको जीरो को अल्फा वन आपका टू होगा इसको जीरो को अल्फा टू आपका चार और चार चार और चार एट होगा अब टू सोन ठीक है तो सारी वैल्यू मिल जाएंगी तो फिर देख लेना ऑप्शन कौन-कौन से से होंगे तो इस तरीके से करना है इसको ठीक ठीक है है तो एक ठाक सा क्वेश्चन चलो अब बात करते जीरो से पाई एल एन वन माइनस टू एन कोसेक्स प्लस एन स्क्वास तो आपको ढंग से देखो

cos x n2 इस तरह आने के बाद क्या करो आप इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दो बेटा ऐड तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 i n 0 से पाई दोनों पे लिमिट सेम है तो log a log b को क्या ले सकते हैं log ab जब आप इसका log ab करोगे तो देखो क्या आएगा ln इसको केयरफुली देखो आप इसमें n2 1 को a लेट करो और टू एन कॉस एक्स को अगर बी लेट करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर का मीनिंग एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब फोर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा सोल्व करने पे आपका एन की पावर फोर प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर माइनस फोर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स

ये जो आपका आई एन है इस आई एन में अगर आपने एन को एन स्क्वायर पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा ये आई एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो से पाई एल एन ऑफ वन माइनस टू एन स्क्वायर कोसेक्स प्लस एन की पावर फोर। ये आ गया ना तो देखो उसको केयरफुली मामला केवल टू एक्स पे दिक्कत कर रहा है तो इसमें लगा देते हैं टीट्यूशन टू एक्स को पुट कर दो टी जैसी आप इसमें टू एक्स को टी पुट करोगे तो देखो क्या जाएगा ये equal to, limit क्या होगी जीरो से टू पाई और एल एन के अंदर कौन आ जाएगा बोलो एन की पावर फोर प्लस वन माइनस टू एन स्क्वायर कॉस्टी और डी एक्स की जगह लिखोगे डी टी बाई टू तो क्या Dt upon 2. तो 2 आ गया डी टी अपन टू तो वन बाई टू आ गया ना ये करने के बाद सिंपल सी बात है इसमें जब प्रॉपर्टी सिक्स अप्लाई करोगे प्रॉपर्टी सिक्स का मतलब हाफ अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी क्यों क्योंकि इसमें वंस अगेन जब आप एक्स को रिप्लेस करोगे ना अपर लिमिट माइनस एक्स क्योंकि लोअर लिमिट तो इसकी जीरो है तो एक्स को जब टू पाई माइनस एक्स करोगे तो बेटा टी की जगह जब कॉस टू पाई तो दिस इज अगेन कॉस टी मतलब नो चेंज आ गया पढ़ा था ना एफ ऑफ टू तो इसका मीनिंग आप अपर लिमिट को हाफ कर सकते हो मतलब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखो ये क्या बन गया टू आई एन इक्वल टू ये क्या होगा अंदर वाला पार्ट एन स्क्वायर तो इससे क्या आ गया आई एन स्क्वाई आ गया तो एक बार टेन पुट करना एक बार छह तो सोल्व करने पे क्या आंसर जाएगा टू इन टू इज फोर आंसर होगा ठीक है तो इस तरीके से करना है चलो तो इसका फोर आंसर फिल करना आपको उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है अपन को क्वेश्चन को पढ़ो एक लाइन है जो इस पैराबोला को पॉइंट पी और क्यू पे कट करती है और इस पैराबोला की डायरेक्टिक्स को ई पॉइंट पे कट करती है क्यू क्यू डैश इज अ फोकल कॉर्ड एंड क्यू डैश पी मीट द डायरेक्टिक्स इन पॉइंट ई डैश जो क्यू डैश पी है वो डायरेक्टिक्स को पॉइंट ई e डैश पे मीट करती है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ई एस ई डैश इक्वल टू ए है तो स्टेप ए मतलब स्टेप ए का मीनिंग के स्टेप की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि इसका एक में सिंपल ज्योमेट्री है वो आपको मैं देता हूं। बाकी गुणा बाक खुद करना ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू उसको उधर शिफ्ट करो तो फोर कॉमन लेने वन। इसका वर्टेक्स तो होगा वन कोमा जीरो और ए आपका वन है ना तो इसकी फुकाय होगी टू कोमा जीरो आपका वन कोमा जीरो है

क्वेश्चन ने बोला गया कि एक लाइन है जो ऐसे बनाई गई है क्वेश्चन में यू तो पी और क्यू पे दिस इज पी और दिस इज क्यू और इसको बोला गया बेटा उसके बाद क्या बोला गया क्यू क्यूडेस इज ए फोकल कॉर्ड क्यू क्यूडेस तो ये लेट क्यू डेस लेट किया मैंने और बाद में क्या बोला गया कि पी को जब आपने क्यू हां क्यूडेस पी मीट क्यूडेस को जब आप पी से मीट करोगे यू तो इसको आगे एक्सटेंड करने पे डायरेक्ट्रिक्स को अगेन ई e डेस पे मीट करती है ये तो देन आपको और ये फोकस इसकी एस है तो आपको एरिया बताना है कौन सा देखो एरिया फाइंड आउट करना है दिस पार्ट ये एरिया बताना आपको ई एस एस डैश तो ई एस एस डैश के एरिया में देखो क्या करोगे थोड़ा तो प्रॉपर्टी की हेल्प लो सिंपल क्वेश्चन देखो आप एक काम करो ई e के पैरेलल एक लाइन रो कर दो इसे एक ज्योमेट्री से करने की ट्राई करते हैं तो देखो जो ई e से एस को ज्वाइन किया है ना इस एंगल को मैंने कंसिडर किया थीटा इस एंगल को थीटा लेट करो देखो ये एस पॉइंट पता है ई e पॉइंट पता है तो इस ईएस e का स्लोप आ जाएगा ना tan थीटा इस ईएस e का स्लोप क्या होगा y2 y1 x2 x1 0 minus minus -4 2 तो ये आ गया tan थीटा 2 आ गया ये tan थीटा 2 आ गया तो देखो ये एंगल कितना होगा 90 थीटा तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो देन अब अगेन क्या बोल सकते हो दिस अपोन दिस का रेशो अब इसमें एक काम और कर सकते हैं आप जब इसकी बात करोगे तो ये एंगल आपका 90 आने वाला है ये एंगल क्या आने वाला बोलो 90 फोकस से ये जो दोनों पॉइंट है इनके बिटवीन एंगल 90 होगा और अगर ये एंगल 90 आ गया तो सीधा एरिया क्या होगा हाफ ए बी पड़ा ना ए बी साइन सी जैसे मैं लिख सकता हूं उसमें डेल्टा ए बी ये दोनों साइड लो और उनके बिटवीन एंगल है जी, थीटा तो कितना जाएगा ये हाफ ई एस इन ई एस साइन कितना फाइव बाई टू बना गया ना ये इसका एरिया होगा और इतको और भी ऑप्शन है इसको करने की इतना आने के बाद देखो केयरफुली ई e पॉइंट पता है एस पॉइंट पता है तो आप ई डे एस फाइंड आउट कर सकते हो ई e एस आने के बाद देखो क्या करना है ये 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा ई डे एस अपॉन ई एस क्या क्या बोलो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बोलो E e आप खुद सोचो e -S आपने कैलकुलेट कर दिया तो तो आ गया ना तो देन इससे e -S -S की वैल्यू क्या मिली आपको e -S into is और e -S की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट तो क्या आ गया चार सोलह बीस रूट बीस का मतलब टू रूट फाइव आ गया टू रूट फाइव का मतलब ये आ जाएगा आपका ये सुन लो ये आ गया ई e डेस एस रूड एस ई डे एस आपका रूट फाइव है और ई एस ई डे आपका ई e एस तो आपका कितना आया था रूट फाइव आया था सॉरी ई एस तो आया था टू रूट फाइव और ई डेस एस आ गया रूट फाइव दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से करना चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थर्ड देखो सिंपल क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ए जेड स्क्वा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपको A का है, और, है वे रूट अल्फा, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का रूट अल्फा गिवन है सच दैट मॉडल मतलब अल्फा भी इसका एक मेरे अकॉर्डिंग ठीक है तो आपको फोर ए बी बार माइनस बी की वैल्यू बतानी है तो देखो क्या करें इसके लिए

माइनस के ए अल्फा क्या करें अपन एक तो इसमें चाहिए बी बार बी की वैल्यू तो पता है अपन को एक चाहिए बी बार तो बी बार की रिस्क क्या करो दोनों तरफ बार ले लेते हैं अपन तो जब दोनों साइड बार लोगे तो क्या आएगा बी बार इक्वल टू आ गया माइनस एल्फा बार माइनस ए बार सॉरी एल्फा बार का बार तो अल्फा आ गया ना और गया ये आ गया ये बी बार आ गया इक्वल टू माइनस एल्फा माइनस ए बार अल्फा बार ये बी का बार आ गया इतना आने के बाद एक सिंपल एक काम करें अपन को ए बी बार में से बी को माइनस करना है तो इस बी बार को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो बी बार को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे तो देन वी विल गेट बोलो ए बी बार इक्वल टू माइनस ए अल्फा माइनस ए ए बार तो मोड ए स्क्वा और मोड ए स्क्वायर तो आ गया वन बाई फोर मतलब ये आ गया है। एल्फा वाई फोर अपॉन फोर इतना आने के बाद देखो क्या करते हैं अपन ये बी की वैल्यू है ये ए बार की वैल्यू है तो ए बी मतलब आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को कर दो सब्ट्रैक्ट तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन वी विल गेट क्या ए बार माइनस बी इक्वल टू देखो इसमें से ये माइनस किया तो ये प्लस का माइनस का सॉरी

उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया देखें देखे पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट एम वेयर एम एन पी टू नेचुरल नंबर इज सिक्स टू फाइव जीरो के मतलब क्वेश्चन ने बोला गया है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर एम की जो नंबर है वो इसके इक्वलेंट है सिक्स टू के सच दैट एम आपका वन से हंड्रेड है एन वन से फिफ्टी है पी आपका वन से 25 है और क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट की बात कब की गई है जब 2 की पावर एम प्लस टू की पावर एन प्लस टू की, की पावर पी इज डिविजिबल बाय थ्री मतलब ये जब नंबर आपका क्या हो थ्री से डिविजिबल तो बताओ एन की के एम एन पी की कितने ऑर्डर पेयर हो सकते हैं तो देखो उसको एक काम करो ऐसे लिखो तीन से डिविजिबिलिटी की कंडीशन की बात की है तो एक काम करें ना इस टू को लिख दो थ्री माइनस की पावर एम ये सिंपल क्वेश्चन है वंस अगेन थ्री माइनस वन की पावर एन और दिस इज वंस अगेन थ्री माइनस वन की पावर पी अब आप एक बात को सोचो जब इसमें वाइनोमेल का फॉर्मूला ओपन करोगे करोगेगा एम सी जीरो थ्री की पावर एम प्लस या माइनस एम सी वन थ्री की पावर एम माइनस वन अपू सो वन मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक तो हमेशा थ्री कॉमन होगा और लास्ट में टर्म बचेगी माइनस वन की पावर एम ऐसे ही इसमें भी क्या होगा फर्स्ट से लेके सेकंड लास्ट तक तो थ्री को मना गया और लास्ट टर्म होगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन की पावर एन का मतलब डिपेंड करेगा है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने सीधा लिख दिया माइनस की पावर और इसमें भी क्या होगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक तो थ्री को मना गया और लास्ट टर्म क्या होगी माइनस वन की ती 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 पावर पी तो सिंपल सी बात ये ये तीनों तो थ्री से क्या डिविजिबल तो इसको हटाओ तो केवल आपको देखना है कि माइनस वन की पावर एम प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर पी थ्री से क्या आना चाहिए डिविजिबल तो सिंपल सी बात इसमें यही है अगर एम एन पी में से अगर जैसे मैंने दो को इवन मान लिया एक को ऑड मान लिया इवन मानने पे तो वैल्यू वन वन आती है ऑड मानने पे वैल्यून तो दो वन और एक माइनस वन आ गया तो वन आ गया तो वन में थ्री से डिवाइड कर नहीं सकते दो इवन एक इवन मानो दो ऑड मानो तो वैल्यू माइनस वन होगी तो केवल कब पॉसिबल है या तो एम एन पी तीनों इवन हो या तीनों ओड हो तीनों इवन होंगे तो सम थ्री होगा तो भी से डिविजिबल होगा अगर तीनों को और लोगे तो माइनस थ्री तो ये भी क्या होगा थ्री से डिविजिबल तो देन काम करो ना पहले इविन की बात कर लेते हैं तो एम को लेना है तो एम में टोटल कितने 50? अरे यार एम को इविन लेना है पी को भी लेट करो और क्यू को भी लेट करो, पी तीनों को तो कितना जाएगा फिफ्टी सीवन इन टू वन सगेन ट्वेंटी फाइव सी वन क्योंकि पचास में से फिफ्टी परसेंट इवेन होगा ना इन टू एक से लेकर पच्चीस तक बारह इवेन होंगे तेरह ऑड होंगे तो क्या जितना ट्वेल्व सी वन प्लस अगर तीनों को ऑड लेना है तो फर्स्ट में तो वन सगेन फिफ्टी सी बना गया सेकेंड में वन सगेन ट्वेंटी फाइव सी बना गया और थर्ड में तेरह सी बना गया ये लेने के बाद ये दोनों तो कॉमन आ गया ना तो ब्रैकेट में आ गया 12 प्लस 12c1 13 13c1 तो ये भी 25 आ गया मतलब फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा 50 25 into 25 तो ये 625 आ गया ना तो कितना आ गया 625 50 तो 50 जीरो को अंदर ले जाओ तो 25 सॉरी 6250 5 तो इसने यही बोला गया ना दिस इज k तो k कितना आ गया इसका फाइव आंसर जाएगा ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है चलो

तो देन वैल्यू ऑफ इमेज और स्टेप क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे क्या होगा डिसकंटीन्यूअस तो एक काम कर सकते हैं अपन जब भी स्टेप के अंदर इंटीजर हो तो उसको सीधा वैल्यू सकते हैं तो 2 प्लस tan sin x के स्टेप की बात करनी है तो इसको ऐसे करो ना 0 से π/2 में tan sin x का डायग्राम कैसे होगा यूं बस अंतर ये है कि π/2 पे sin की वैल्यू 1 होगी तो 10

One से लेस का स्टेप मतलब पे, 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 पे। तो ईच इनपुट तो तो के रेस्पेक्ट में फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूस और जीरो पे कंटिन्यूस होगा क्योंकि जीरो पे भी वैल्यू जीरो जीरो प्लस का स्टेप जीरो से बड़े का स्टेप भी जीरो तो जीरो पे कंटिन्यूस है बाकी सारे इंटीजर पे क्या है तो ये टोटल टेन पॉइंट पे क्या होगा डिसकंटिन्यूसर जी एक्स की नॉन डिफरिटी है तो ये क्या वर्ड क्वालिटी का ना तो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा? ये वन और टू पे लेगा तो क्या आ गया वन और टू पे क्या होगा नॉन डिफरें क्योंकि शार्प कॉर्नर है तो आप इसको भूल जाओ बार वाले पार्ट को तो वन से लेके टू एम तक जब आप इस डायग्राम को बनाओगे तो क्या होगा ये वन टू थ्री फोर टू एम ये टोटल टू एम पॉइंट पे क्या होगा दिस सॉरी नॉन डिफरेंशियबल वट ये आपको पता है ये वन से लेके टू थ्री टू एम पे नॉन डिफरेंशियबल है और लेट मैंने अगर इसको एक नया फंक्शन समझाया आपको एच एक्स चलो इसको एक काम करें रिमूव कर दो इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को क्योंकि तो जो मेन चीज थी वो बोल दी थी आपसे कि इससे जो एफ फंक्शन है वो टेन पॉइंट पे नॉन है। देखो सुनो, ये जो मोड वाला पार्ट है ये, जब जब ये तो ठीक है ना तो ये टोटल आपका टू एम पॉइंट पे क्या होगा नॉन डिफरें और भार कौन है एक्स माइनस वन इन टू एक्स माइनस टू इसको अगर मैंने एच एक्स किया तो एक बात और इसको मान लो लेट साइए

गिवन है आपको p1 से p10 कुछ किसी को कुछ ही मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देयर आर लैम्डा ग्रुप्स ऑफ फोर पॉइंट्स p1 मतलब आपको क्या करना है फोर पॉइंट्स का या फोर वर्टेक्स भी बोल सकते है? four points है, points हैं फोर पॉइंट्स बोलो ज्यादा बेटर क्योंकि पॉइंट्स बोलेंगे ना सबको फोर पॉइंट्स के आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट करना है जिसमें p1 तो लेने लेना है बाद में pi pj pk मतलब थ्री पॉइंट ऑल ऐड करने और कंडीशन क्या है

टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये ये टोटल आपके टेन पॉइंट हैं अब आपको P1 को तो लेने ही लेना है थ्री पॉइंट और सेलेक्ट करोगे लेकिन लेने इस तरीके से कि ऑल फोर पॉइंट आर लाइज इन ए प्लेन तो देखो कैसे करेंगे इसको थोड़ा विजुअलाइजेशन से करना है क्वेश्चन को ये थ्री डी का डायग्राम है देखो केयरफुली देखना मैं ऐसे समझाता हूँ ये इसकी टोटल फोर सरफेसेज हैं एक सरफेस तो ये है कौन सी P1, P2, P4 वाली P1, P2, इसको नेम देते समझने में आसानी रहेगी इसको सरफेस मान लिया मैंने S1, वन फेस मान लो ऐसे ही इधर वाली सरफेस है ना इसकी अपोजिट फेस ये वाली ये है इसको बोलते हैं P2, P3, P4, इस सरफेस या फेस को मैंने S2 टू नेम दे दिया उसके बाद जो बेस जैसे P4 को अगर आप स्पेस में रखते हो, तो P1, P2, P3 वाला जो पार्ट है आपका बेस आ गया इसको लेट आपने नेम दे दिया S3 कौन सा इसका सरफेस है P1 P2 और P3 और इस पॉइंट P की जो अपोजिट पार्ट है वो कौन सा फेस होगा P2 P3 P4 एक बार दोबारा देखो हाँ ये गलत लिख दिया मैंने मेरे को तो लिखना है P1 P3 P हाँ P1 P3 P4 लिखो पहले अरे यार ये सरफेस दोबारा सुनो ये तो इधर वाला आ गया P1 P2 P4 ये तो इधर वाला सरफेस है और ये ऊपर वाला सरफेस है कौन सा ऊपर वाला सरफेस कौन सा होगा इधर वाला ये तो इसका बेस आ गया ना P1 P2 P3 ये इसका सरफेस आ गया और इसके जस्ट अपोजिट P1 की के जस्ट अपोजिट वाला कौन सा होगा P2 P3 P4 तो चलो उसको P2 P3 P4 नेम दे देते दे हैं जिसमें पी का रोल नहीं है ऐसे समझो और एक P2 के अपोजिट फेस होगा तो P2 के अपोजिट में कौन सा होगा P1 P3 और P4 वाला इसको इधर नेम दे देते हैं ये वाला P1 P3 P4 इसको नेम दे दिया मैंने लेट ऑफ S4 ठीक है अब करना कैसे क्वेश्चन को उसको देखना फोर पॉइंट का सिलेक्शन करना है P1 को तो लेट करना ही करना है बाकी थ्री पॉइंट लेने के बाद ऑल फोर पॉइंट आर लाइज इन दी सेम प्लेन तो देखो बेटा सबसे पहले अपन बात करते हैं फेस फेस की S1 में ऑलरेडी पी वन का रोल है पी वन को लेने लेना है एस थ्री फेस की बात करोगे इसमें भी पी वन का रोल है मतलब इस प्लेन की बात चली सरफेस की इसमें पी वन ऑलरेडी है आपका उसके बाद एक बात करेंगे इस पीछे वाले की ये फ्रंट वाला फेस है पी वन के इसकी बात करेंगे बाद में क्योंकि इसमें पी वन का रोल नहीं है तो क्या करना है देखें जब आप थोड़ा स्पेस में बना के देखना इस डायग्राम को थोड़ा सोचना माइंड में जब आप इन पॉइंटों की बात करोगे इस फेस की बात करोगे पी वन पी टू पी फोर की तो इस फेस पे टोटल कितने पॉइंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये टोटल सिक्स पॉइंट्स हैं अब देखो ये सारे के सारे पॉइंट इस फेस पे लाई करते हैं मतलब एज इसको ट्राइंगल समझ लो ये सारे के सारे पॉइंट इस ट्राइंगल पे लाई करते हैं तो बताओ इससे ऑलवेज एक प्लेन पास होगा ना इनमें से कोई सही पॉइंट लो उससे ऑलवेज ऑलवेज एक प्लेन पास होगा बट आपको P1 को तो लेना है तो चलो पी का तो आपने सिलेक्शन किया अब रिमेनिंग आपको थ्री पॉइंट ऑल लेने हैं लेकिन लेने कितने में से फाइव में से क्योंकि पी आ गया तो रिमेनिंग इज फाइव तो फाइव में से थ्री पॉइंट को सिलेक्ट करने के मेथड क्या होंगे फाइव सी थ्री तो इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो S1 वन सरफेस है इसमें से P1 को सिलेक्ट किया है रिमेनिंग फाइव पॉइंट में थ्री पॉइंट को सिलेक्ट करने के मेथड फाइव सी थ्री होंगे तो ऑलवेज लाइज इन दी सेम प्लेन क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट एक ट्राइंगल पे लाई करते हैं और ट्राइंगल पे जब लाई करेंगे तो ट्राइंगल क्या है एक एज ए प्लेन हो गया ना आपका ठीक है चलो सिमिलरली ये काम मैं आपका एस पे भी कर सकता हूं ना इसमें क्योंकि एस में भी जब बात करोगे पी तो वन तो आपको लेना ही लेना है कोई भी कॉमन ऑल फोर पॉइंट आर नॉट कॉमन आप एस वन एस टू और एस थ्री में एस वन एस टू एस थ्री में जब कॉमन एस वन एस टू एस फोर में एस एस वन एस थ्री और एस फोर में एस फोर फ्रंट क्या है तो उसको छोड़ो जिसमें पी वन है हाँ ठीक है एस वन एस थ्री एस फोर में कोई भी चार पॉइंट का सिलेक्शन करोगे जिसमें P1 को लेट करना है तो कोई भी चारों पॉइंट कॉमन नहीं होंगे मैं दिखा सकता हूं आपको खुश सोचो ना जैसे लेट आपने इसमें बात की तो गलती से माना ये तीनों पॉइंट आते हैं तो चौथा पॉइंट इनमें से होगा ना किसी में से और जब आप इस सरफेस की बात करोगे तो देखो इस सरफेस पे चारों कौन से होंगे पी वन पी वाले पे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ना तो इस केस में अरे एक दो तीन चार पांच छे हो ना सारे P1 को लेने लेना है तो अब अगर इन पांच पॉइंट में से अगर आप कोई भी तीन पॉइंट लोगे तो दो ये आते तो एक तो एक इधर से आएगा ना फिर भी इसका मतलब चारों पॉइंट कॉमन आ सकते P S1 S3 और S4 सरफेस से इसका मतलब ये तीन बार आ जाएगा आपका तो इन टू कर देते थ्री फाइव सी थ्री वेल्यू टेन होती है तो ये आ गया थर्टी

टू पी थ्री पी फोर को ऐसे स्पेस में रोकर के विजुलाइज करोगे तो दिख जाएगा तो देखो कैसे देखते हैं? ये जो ये जो वाला सरफेस है इसमें क्या करो जो इसके मिड पॉइंट इनको पकड़ते हैं तो क्या करना है देखो जैसे लेट आपने P1 के साथ इसका इधर देखो ब्लैकबोर्ड पे P1 के साथ इसका अपोजिट पॉइंट लो ये जो इस

तो ज्वाइन करने से अगर वो बहुत लाइन आर इंटरसेक्ट तो टू लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइज इन सेम प्लेन तो देखो क्या करना है आपने पी वन के साथ लिया पी फाइव पी वन के साथ पी फाइव लेने के बाद आप एक मेरी बात सुनो अगर इस सरफेस की बात करोगे तो इस पे तो सारे पॉइंट की बात हो चुकी है ना P1 के साथ आपने जब P5 लिया है तो थोड़ा 3D में बात करोगे तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इस सरफेस पे जो अपना ये वाला सरफेस पे इसमें P4 के साथ अपन ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं कौन सा दोबारा समझो जैसे P1 के साथ आपने P5 पॉइंट को सिलेक्ट किया है तो आपको जो सरफेस S2 है इस पे टू पॉइंट का सिलेक्शन और करना है तो देखो क्या करोगे उसके लिए आपने क्या किया जैसे P1 अगर आप S1 सर थोड़ा दोबारा देखो एक बार जैसे अपन ने S1 सरफेस की बात की तो S1 वन सरफेस में अगर आपने ये एक पॉइंट फिक्स करके कोई भी फाइव में से थ्री पॉइंट लिए तो चार पॉइंट थे और चारों एक प्लेन में थे तो तीन किस्त तो ये बन चुके हैं एस वन सरफेस एस थ्री और एस फोर में अब एस टू सरफेस के लिए देखो क्या करना है अगर आपने ये लिया कि पी वन के साथ पी फाइव ले लो अब पी वन के साथ अगर पी फाइव लोगे आप तो बाकी पॉइंट ये तो ले नहीं सकते अपन क्योंकि तो ऑलरेडी आ चुके हैं अरे यार इस प्लेन पे तो बात ही नहीं करोगे ना तो इसके अपोजिट प्लेन कौन सा होगा ये वाला तो इस पे आप केवल ये दो पॉइंट की बात कर सकते हो लेकिन ये दो पॉइंट इस सरफेस पे हैं और ये दो पॉइंट नीचे वाले पे हैं तो कोई भी दो पॉइंटों को ज्वाइन करोगे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आप थोड़ा सोचो दो प्लेन तो आप सरफेस पे बना दो ऐसे यू यू और दो लाइन ऐसे बना दो तो वो थ्री की लाइन है नॉन पैरल प्लेन है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बट अगर आपने ऐसे लिया देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आप तीनों पॉइंट तो लो ये तीनों पॉइंट ये और एक पॉइंट इनमें से भी आ सकता वो आ है वो ऑलरेडी आ चुके हैं थ्री पॉइंट तो आपने ये सिलेक्ट किए और फोर्थ पॉइंट आपने क्या किया इस वाली एज के अपोजिट फेस कौन सा यही है ना इस एज का जो अपोजिट फेस है वो ये फेस है आपका दिस इज एस जिसमें पी पॉइंट नहीं है तो जब ये अपोजिट फेस है तो देखो अगर इसका ये वाला पॉइंट ले लोगे आप फिर तो चारों पॉइंट इसी प्लेन में जाएंगे पी में हटाओ एस में अगर आपने इस H2 पे से P2 ले लिया पी थ्री मतलब इन तीनों पॉइंटों को तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है केवल आप बात करोगे इसके मिड पॉइंट्स की तो अगर आपने ये तीनों पॉइंट लिया ये मिड पॉइंट लिया फिर भी गलत हो गया मामला तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये लोगे तो अगेन एस वन सरफेस आ गया तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ देखो ये तो आपके इस सरफेस के पॉइंट है तीनों पी वन पी वन पी टू और दिस पॉइंट और ये जो पी फोर पी थ्री वाली लाइन है इसका जो मिड पॉइंट है उसको लेके जब आपने क्या किया इसको तो ज्वाइन किया इससे और इसको ज्वाइन किया इससे तो देखो एक लाइन तो P1 P2 को ज्वाइन की एक मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से तो एक बार क्या करती है इसको इंटरसेक्ट अरे यार ये लाइन इसको करती है ना इंटरसेक्ट तो ये चारों केस क्या होगा एक बार इस वाले को लो आप, इसके लिए क्या करना इसके, दिस, 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 इसके अपोजिट फेस पे फिर ये वाला पॉइंट तो इसको ज्वाइन कर दो आप तो देखो सिमिलरली जब आप एक बार इसको लोगे तीनों पॉइंटों को तो इसके लिए इसका अपोजिट पॉइंट लेना है ठीक है ना तो देन

इसको आपको खुद को विजुलाइज करना सिंपल सी बात है ठीक है चलो जाओ बेटा थैंक यू